नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका पवन के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इससे पहले मैंने दो वीडियो आपके लिए भेजी है, लेकिन ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये ऑल इन वन है। मतलब पहले से लेकर अंत तक की प्रक्रिया मैं समझाने वाला हूँ। और जैसे कि ECI जो है वो हमेशा अपनी गाइडलाइन जो है बदलाव लाता रहता है, तो इसमें अब तक के जितने भी बदलाव अब तक मेरे पास पहुंचे हैं, उन सब बदलावों के साथ आपका ये जो है अब फाइनल जो है मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल शॉर्टली आपको जो बताने वाला हूं, क्योंकि आप इससे पहले बहुत बार जो है वो ये सारी चीज़ें सुन चुके हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही आता है कि आपकी जो पार्टी है उसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर और तीन पोलिंग ऑफिसर हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि इसमें सिक्योरिटी पर्सन भी आते हैं और हेल्थ वर्कर भी आते हैं। तो इसलिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि पूरी टीम के साथ एक फैमिली की तरह काम करें, सबको जो है काम जो है समझाएं तरीके से। और टीम वर्क जब तक आप में नहीं होगा, याद रखना आपको मुश्किलें आएंगी, और ये मुश्किलें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं यदि आपका काम कहीं इलेक्शंस में गलत पाया जाता है। तो बेहतर है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप को जो बाउंड है उसको जो है अच्छा कीजिए और काम को बेहतर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपको मशीन मिलने वाली है, और याद रखना इस बार जो आपको मशीन मिलने जा रही है EVM की, वो आपका M3 है। ये फर्क है, याद रखना। इससे पहले आपने M2 को हैंडल करते थे, इस बार M3 आपको मिलने वाली है। तो इसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तीसरा VVPAT जो है ये भी जो है नया एडिशंस हो गया। तो ये तीन कंपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें पहले का नाम जो बीच में जो है ये VVPAT है, ये CU है, इसका हार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपका BU जहाँ पर जो बैलेट बटन जो है दबाकर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस बार का जो M3 EVM आपको मिलने वाली है उसमें क्या खूबियां हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक तो लाइट वेटेड है, और इसमें 364 कैंडिडेट मतलब 24 बैलेट यूनिट जो इसके साथ अटैच हो सकते हैं। बैटरी परसेंटेज में बताता है, इंपॉर्टेंट है, पहले जो है वो फुल और लो करके बताया जाता था, अब जो है वो बैटरी जो है वो क्या बताएगा, परसेंटेज 95% या फिर लो होगी, सॉरी 10% होगी, इस तरह से वो बताएगा। ठीक है, इसके अलावा बैटरी सेक्शन जो हुआ करता था पहले जो है वो कंडेंसर सेक्शन के साथ होता था, इसलिए बैटरी को बदलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इसकी रिप्लेस जो है हम कर सकते हैं क्योंकि इसको सेपरेट कर दिया गया है कंडेंसर सेक्शन से। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है कि इसमें 2000 की जो वोट कास्ट हो हम कर सकते हैं, इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो है डिस्प्ले है वो दो रो में आता है, पहले एक ही रो में आता था तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसमें कम समय लगता है। और इसमें ब्रेल सिग्नेचर जो है BU में बैलेट यूनिट में जो लोग अंधे होते हों ब्रेल को जानते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी ही जो है वो ब्रेल जो सिग्नेचर हैं या साइंस हैं वो ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं। चलिए बात कर लेते हैं EVM के बाद कुछ एक एरर जो ये मशीन देती है, और उस समय आप जो है बहुत सारे एरर हैं, लेकिन प्रमुखतः जो इंपॉर्टेंट जैसे BU01, मान लीजिए बैलेट यूनिट जो पहला मैंने बोला इसमें 24 लगा सकते हैं, तो कौन सा बैलेट यूनिट है, जैसे कि इसमें बताया कि 01 की कौन सी है, 6 है, नॉट ओके, मतलब वो सही नहीं है। अगर ऐसा एरर रहता तो इसका मतलब आपका जो है जो CU है वो खराब है या कुछ उसके साथ गड़बड़ है। चेंज बैटरी, देखिए मैंने कहा था परसेंटेज वो बताता रहता है, एक समय ऐसा आएगा कि वो चेंज बैटरी के लिए जो है वो आपको कहेगा, उस स्थिति में आपको जो बदलना पड़ेगा, अपने सेक्टर ऑफिसर को फोन करें और उसको रिप्लेस करें। बैटरी हाई, इस तरह से वो बताता रहता। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ जो है बैटरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कितना कर है प्रेस एरर कि अगर आपका बैलेट यूनिट का कोई भी बटन को लगातार प्रेस में वो है, किसी ने छेड़खानी का करी है, होता है ना कि कुछ डाल दिया, लगा दिया, च्यूमिंग जो है फंसा दिया, तो उस स्थिति में प्रेस एरर जो है देता है। इनवैलिड कब देगा, कि जब आपने जो है गलत तरीके से CU का कोई बटन जो है दबा दिया है, उसका सिक्वेंस होता है वो भी आपको मालूम है। नो यूनिट्स कनेक्टेड, अगर आपने कोई भी यूनिट इस M3 में, वो मशीन तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो दोनों ही यूनिट, चाहे वो VVPAT हो चाहे वो बैलेट यूनिट हो, आप नहीं लगाएंगे तब तक ये मशीन नहीं चलेगी, याद रखना, ये आपको एरर देगी। फिर बात कर लेते हैं, जिस दिन आपको सामान मिलने वाला है याद रखिए आपने हर एक चीज को ढंग से जो है वो लेना है, जो आपको लिस्ट दी गई है एनेक्शर 19 के अलावा आपको लिस्ट दी होगी, याद रखना एनेक्शर 19 में जो है सारी चीजें अब तक नहीं होती हैं, तो अलग से आपको जो है लिस्ट दी होगी जिसमें एडिशन भी होगा, कई न क्या नई चीजें हैं, तो वो सारी एक एक चीजें आपने लेनी है, तभी आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि जब CU और BU को आप लेंगे या VVPAT को लेंगे, तो टैग को जरूर देखिएगा
कि क्या वो उसी ही स्टेशन के, उस जगह के, उस पोलिंग बूथ के हैं जो आप जहां पर जा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अंदर अगर आप देखेंगे मशीन को, तो अंदर इस तरह से जो है ये सील होना चाहिए आपका। ये कैंडिडेट सेक्शन है, ये आपका बैटरी सेक्शन है, ये ऑलरेडी जो इसके ऊपर टैग लगे होते हैं, और जो बीयू होगा उसके नीचे जो है टैग ऑलरेडी होगा। कैंडिडेट सेक्शन जो है वो पूरी तरह से तैयार होगा, जितने कैंडिडेट आपके होंगे और यहां पर जो है उसको टैग लगा होगा, तो ये जरूर देखें, ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखना कि ये मशीन जो है तैयार है पूरी तरह से, आपने टेस्ट बोट नहीं करना। पहले क्या करते हैं M2 में हम क्या करते थे कि भाई लगा देते हैं थोड़ा सा, वीवीपैड को भी लगा दिया और देखते हैं जरा काम कैसे कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, पहले वो लग जाता पता। लेकिन याद रखना अब वो बोट कास्ट कर देगी, तो आपको ये कहा गया है इस बार के डायरेक्शन में कोई भी उसको ऑन नहीं करेगा, याद रखना कोई भी उसको ऑन नहीं करेगा। मैंने तब तक कहा कि ऑन जैसे करेंगे तो तीनों ही यूनिट आपके होने चाहिए। अब तीनों यूनिट के साथ जब ऑन करेंगे तो वो पर्चियां निकालना शुरू कर देगा, आपके पेपर जो है खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है वो मशीन बिल्कुल सही है, आपने जब तक आपका मॉक पोल नहीं होता है तब तक इस मशीन को कोई ऑन नहीं करेगा, ना कोई कास्ट करेगा वोट। ये याद रखना, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की, ये M3 के कारण है। और क्या सामान आपको मिलने वाला है, तीन कॉपीज इलेक्ट्रोल की आपको मिलने वाली है, जहां से हम पहचान करते हैं। याद रखना एक मार्क्ड होती है जिसके ऊपर ऑलरेडी मार्क होते हैं, EDC इशू हो गए हैं तो उनके लिए मार्क ऑलरेडी लगा होता है वहां। अब ये एक मार्क, तीन अनमार्क्ड, लेकिन इसको देखना क्या है कि आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल मीन्स कि ये तीनों उसी पोलिंग बूथ की होनी चाहिए, ये जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर ऑफ वोटर आपको मिलता है, और रजिस्टर ऑफ वोटर जो है वो भी संख्या के आधार पर मिलेगा। एक में लगभग 800 के करीब जो है वोटर होते हैं, अगर उसमें सीरियल नंबर से 1 से 800 लगे हैं तो याद रखना 800 से ज़्यादा अगर आप हैं तो आपको 2 रजिस्टर दिए जाएंगे, तो 800 के बाद आपने उसको सीरियल नंबर 801 जो है वो करेक्शन कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिलना पड़ेगा। वोटर स्लिप जो है जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर कार्ड के जो है देता है वोटर को, तो वो वोटर स्लिप जो है इस तरह से होती है, उसको काट काट के आप अलग करते हैं, तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट आप में होगा, इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ। ब्लू पेपर सील है, अगर स्पेशल टैग हैं ये बाहर लगने वाले टैग्स हैं, ये ग्रीन पेपर सील है, ये आपका इंडेलिबल इंक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक रबर स्टैंप एरो क्रॉस मार्क है, जब टेंडर बोर्ड जो है आपको देना पड़ेगा किसी हालत में, तो तब ये जरूरत होता है पैड और ये। इसके अलावा एक और डिस्टिंग्विश्ड मार्क सील आपको मिलने वाली है। इसके बाद आपको ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मेटल सील है वो मिलने वाली है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। नेक्स्ट जो है कंपार्टमेंट या सीलिंग वैक्स और ये मैच बॉक्स। इसके अलावा और भी बैलेट पेपर है, डिफरेंट फॉर्म्स है, एनवलॉप्स है, साइंस बोर्ड है, स्टेशनरी है, ये सारी एक एक चीज आपने जो है वो देख लेनी है। मैंने कहा एक भी चीज जो है चूकनी नहीं चाहिए। मूवमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशन, आप जाएंगे तो बस से ही जाएंगे जो गवर्नमेंट ने हायर की है, याद रखना अपनी गाड़ी के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, इसका ख्याल रखना, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में फिर आपका कोई जवाब नहीं होता है और पूरे के पूरे जो है टीम को भुगतना पड़ता है, पूरे के पूरे डिसमिस हो जाते हैं, तो बेहतर है ऐसा काम ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जब आप जाएं तो उससे पहले अपने जो BLO है या जिनको आपको कहा गया है ठहरने का इंतजाम करने का, उनको जरूर फोन कर लें कि कितने लोग हम आ रहे हैं, ताकि वो इंतजाम कर सके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दूसरा जो है याद रखना कि आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर अपनी जगह के ऊपर जो है, तो आपने सेफली अराइवल का जो है मैसेज जरूर कर देना है। और तीसरी चीज कि आपने उसी ही बूथ के ऊपर स्टे करना है, किसी के घर नहीं जाना है, याद रखना किसी के घर नहीं जाना है, EVM को अपने पास ही रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी जॉब खतरे में रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं एक और नई चीज जो है कि हमारे हेल्प डेस्क जो है लगने वाले, जहां का बूथ है ना वहां बहुत सारे हेल्प डेस्क लगने वाले हैं, जैसे कि BLO का सबसे इंपॉर्टेंट है, BLO का हेल्प डेस्क जो है ये बाहर लगेगा बूथ से बाहर एक खास दूरी के ऊपर, और यहां पर BLO हेल्प करेंगे, कुछ स्लिप्स होंगे या कुछ और चीजें जो है वो BLO के जरिए ही उनको मिलने वाली है ना। PWD जो है वो वोटर्स आएंगे उनके लिए बैठने का इंतजाम, सीनियर सिटीजन चेयर लगी होनी चाहिए, क्रैचेस जो है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो खिलौने बाहर होंगे, ऐसे हेल्प डेस्क लगने वाले हैं जिसकी सूचना पहले ही जा चुकी है। ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए पानी जो है इस तरह की व्यवस्था जो होगी, तो उसका भी ख्याल रखें। क्या आप जब जिस दिन पोलिंग है क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाहर देख के ये देखा कि अरेंज है या नहीं है, ये भी जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं अराइवल ऑफ पोलिंग स्टेशन, जब आप पहुंच जाते हैं तो याद रखिए जो आपका BLO हो उसको अगले दिन आपकी वोटिंग होने वाली है, तो उसको आपने पहले ही सूचित करना उस शाम को कि भाई सुबह जो है 2 घंटे पहले ही या
हम ये कहेंगे लगभग 1 घंटा पहले तो जरूर जो है वो एजेंट पहुंच जाएं, क्योंकि आपको मालूम है 1 घंटा पहले जो है क्या स्टार्ट होता है सबसे पहले, वो है आपका मॉक पोल। तो मॉक पोल की कब शुरू होगा, जब एजेंट आएंगे तो उनको जरूर, क्योंकि BLO उसी गाँव का रिलेटेड होता है, उसको मालूम है कि किसको एजेंट जो है वो नियुक्त किए गए हैं, तो आपने उनको कहना है कि 1 घंटा पहले तो अवश्य पहुंचे, और आपने खुद 2 घंटे पहले उस स्टेशन पर होना ही चाहिए। हर एक मेंबर उस स्टेशन पर होना ही चाहिए, ऑब्जर्वर कभी भी आके जो आपको देख सकता है। बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, ये आपने जरूर जो है वो ख्याल करना है, ठीक है जी। अब बात आती है कि अगले दिन जब आप पहुंच गए हैं, पहुंचने के अगले दिन आपने जो बूथ सेट करना है जहां पर आपका जो है वो बूथ दिया गया है, तो बेहतर है, इसके बारे में आपको मालूम है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में काफी दिया गया है, एजेंट को ऐसी जगह पर बिठाएंगे जहां पर आप जो है वो जो एंट्रेंस है उसकी जगह के ऊपर, ताकि वो देख सके कि कौन आ रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है, ये जरूरी है। आप इनके पीछे भी लगा सकते हैं, बड़ा हॉल है, अधिकतर जो छोटे कमरे होते हैं वहां पर इस तरह का पोलिंग जो ऑफिसर 1, 2 एंड 3 इस तरह से होगा, और उसके आगे CU होगा, और यहाँ पर BU जो है यूनिट जो है वो पड़ेगा, और यहीं पर जो है क्या होगा, साथ में VVPAT भी होगा। तो ये कंपार्ट के अंदर जो है वो CU होगा, बाहर जो है वो आपका VVPAT होगा, और यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर 2 एंट्रेंस है तो याद रखना, यहाँ से एंट्रेंस कीजिए और यहाँ से एग्जिट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला सेक्शन है ये बहुत ही खुफिया होना चाहिए, ये किसी की नज़र, इन लोगों की भी नज़र और किसी बाहर वालों की नज़र से ये दूर रहना चाहिए। अगर खिड़की है तो वहाँ पर्दा जरूर लगाइए, और चेक कीजिए कि बार बार की कोई देख तो नहीं रहा, झांक तो नहीं रहेगा, इसकी जो वैधता वो बनी रहनी चाहिए, सिक्रेसी बनी रहनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, याद रखना है। तो बूथ इस तरह से सेटअप कीजिए, और माइनर मैं ये कह दूं, माइनर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं उस बूथ में ही, लेकिन ये सोचेंगे इस बूथ को हटा दिया और किसी साथ वाली बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में चले गए, ऐसा कभी भी मत करना। अब आता है आपका, और इसके अलावा अपने बूथ में ना कोई आग जलाएगा, ना ही वहां पर खाने पीने का जो है प्रबंध करेंगे उस बूथ में, ये इन चीजों से आपने बचना है। अब आता है उसके बाद आप पहुंच गए हैं सिटिंग ऑफ द पोलिंग एजेंट, आपने जो अंदर करना है अरेंज, उसका भी एक ऑर्डर होता है। अगर इस ऑर्डर को नहीं आप समझ पाएँ तो बेहतर है कि जो बैलेट यूनिट के ऊपर जो नाम दिए गए हैं इलेक्टर्स के, जो कैंडिडेट के, उनके हिसाब से ही आप अंदर जो है वो लगाएं, क्योंकि वो उसी हिसाब से लगाए होते हैं, पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन पार्टी, उसी हिसाब से आपने एजेंट को अंदर बिठाना है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका कमरा छोटा है तो आप केवल मात्र जो है थोड़े से ही आप सभी को बाहर भी बिठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आपने उसको चलाना है। अब आता है बात अरेंजमेंट ऑफ द पोल डे में, क्या क्या आपने जो करना है। मैंने पहले कह दिया कि आपने 2 घंटा पहले जो जरूर पहुंचना है, ये जरूरी है, तो आपको मालूम है। इसके अलावा जो अरेंज फॉर द ओनली 6 पीपल, ये कहा गया है इस बार के डायरेक्शंस में कि जो लाइन में खड़े होंगे लोग वो मात्र 6 खड़े होंगे, 6 मेल की लाइन में और 6 जो है वो फीमेल की लाइन में, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ जो गोले आपने लगाने हैं और उसके ऊपर में वो खड़ा करना है। इसके बाद के जो लोग हैं उनको स्लिप दी जाएंगी, चाहे BLO होगा चाहे दूसरे लोग होंगे सिक्योरिटी वाले, उनके हाथ में वो स्लिप होनी चाहिए, वो नंबर की स्लिप की, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, उससे क्या होगा कि वो बैठ सकते हैं इजिली, ताकि लंबे समय तक उन्होंने लाइन में नहीं लगना पड़े। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें कही गई है। तो आपने अगर लाइन भी लगी है तो क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका ख्याल रखें, आप 6 से ज़्यादा भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इस बार ये कहा गया है कि आपने कोविड का ध्यान रखना है, लाइन जो है सही तरह से लगवानी, ये सिक्योरिटी वालों का काम होता है, ठीक है जी। डिस्प्ले आपने बार बार क्या करना है वो जरूरी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या देखेगा, एरिया जहां पर आपका जो है वो एंट्रेंस है उसके बाहर ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है, जैसे कि स्पेसिफाई एरिया को जो बताता है वो आपकी लगेगी की कॉपी, एक जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं 7A की कॉपी वो लगेंगी, और कुछ एक जो है वो डिस्प्ले करना पड़ते हैं, कुछ एक पेजेस दिए होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि ऐसे जो पोलिंग होने चाहिए, ऐसी चीज़ें, वो सारे डिस्प्ले उसी के ऊपर दीवार के ऊपर होंगे। यह है 1 घंटे से पहले के काम। एक और चीज़ ख्याल रखना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि इस बार अगर आपकी वीडियोग्राफी या वहाँ पर फोटोग्राफी नहीं हो रही है तो आपको कुछ फोटोग्राफ जो लेना पड़ेंगे, एक मॉक पोल के करते हुए, दूसरा प्लेसिंग ऑफ वोटिंग कंपार्टमेंट जब आपने सीलिंग कर दिया उनको अपनी जगह पर रखने तब होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट कितने हैं उनका आपने फोटो लेना है, सीलिंग ऑफ EVM जब सीलिंग कर रहे हैं उसमें भी आपने करना है, विजिट ऑफ सेक्टर ऑफिसर और ऑब्जर्वर कोई भी आता है बीच में तो उस समय उनके फोटो भी लेने हैं, पोल स्टार्ट के आपने लेने हैं, जब पहला व्यक्ति आता है तो उसका जो पोलिंग पार्टी के पास वो खड़ा होता है अपनी कार्रवाई करने के लिए तो उस समय ही लेने, अंदर कंपार्टमेंट में कोई भी फोटो नहीं होंगे, स्पेशल केस वोटर जो है, अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई जो अंधा व्यक्ति आ जाता है, ऐसे केसेस जो है आपने जो है वो उनके भी फोटो लेने हैं। क्लोजिंग एंड सीलिंग ऑफ द EVM,
या हो चुकी है, चाहे जब क्लोज करेंगे आप जो है क्लोज का बटन दबाएंगे तब भी आप करेंगे, सीलिंग के समय भी आप करेंगे, एंड वाली सीलिंग और एनी अदर क्रिटिकल, अगर कोई जो है लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ शराब पी के आता है, तो उनके भी फोटो आपने लेने हैं और ये फोटो आपको सबमिट करने पड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आपने ईवीएस सबमिट करने हैं और फॉर्म सबमिट करने हैं, तो आपको ये चीज़ें भी मांगी जाएंगी, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब आता है बात कि वेयरिंग ऑफ द बैजेस, ये बिल्कुल जो है वो अंदर 100 मीटर के अंदर कोई भी जो किसी प्रकार की कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है, इस प्रकार की टोपी पहनना या कुछ और करना। इस बार के गाइडलाइन में ये दिया गया कि पोलिंग जो एजेंट है वो जो है वियर कर सकते हैं अपने पार्टी का, लेकिन आप, मैं तो यही कहूँगा कि इससे भी आप बचें। किसी भी तरह का कोई भी जो है अगर ऐसा करता है तो सीधे ही पुलिस वाले जो है अंदर उसको डाल सकते हैं, 3 महीने की सजा और साथ में जो है फाइन भी है, क्लियर है। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ द पोलिंग एजेंट, 1 घंटा पहले ही अगर आप एजेंट आ जाते हैं तो बेहतर है कि आप उनकी जो है वेरिफिकेशन कर लें। एजेंट का फॉर्म नंबर होता है 10, तो उसको भरकर लाया है, कैंडिडेट के साइन आपने देखने हैं और इसके लिए आपके पास एक होता है स्पेसिमेन सिग्नेचर सीट ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के कैसे साइन है उसकी स्पेसिमेन सिग्नेचर आपके पास हो, तो आपने मिलान कर लेना उन कैंडिडेट के साथ, क्या ये उसी कैंडिडेट का है सिग्नेचर, अगर है तो फिर आपने उसको 2 कॉपी आपने लेनी है, 1 कॉपी जो है फिर वापस करनी है उसको साइन करने के पश्चात, और 1 अपने पास जो है रखनी है। एक चीज़ ख्याल रखें कि उसके जो साइन होंगे एजेंट को आपने सामने ही करवाने हैं, अगर उसने पहले ही कर लिए हैं तो आपने फिर से जो है करने हैं ताकि ये कन्फर्म हो कि ये वही व्यक्ति है, क्लियर है। इसके अलावा एक और उसके आइडेंटिटी कार्ड उसके पास होना ही चाहिए, एपिक या अदर जो 11 डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वो कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होना अनिवार्य है, क्लियर है, ये उसकी वैधता को बताता है। और एक और चीज़ है कि क्योंकि जो लोकसभा की जो सीट होती है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो किसी भी एरिया का जो है वो पोल्ड वोटर होना चाहिए, उसी जो है एसी का या जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन होकर जो है जो हमारी पूरी लोकसभा की जो असेंबली है वो किसी भी जगह का जो है वो वोटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उस जगह का वोटर, ये बोले प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जी आपका इस बूथ में तो आपका जो है वो वोट ही नहीं है तो आप नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का आपने ख्याल जो है वो करना और आपने जो है फिर चेकिंग करने के पश्चात उनके फॉर्म ढंग से रखने हैं, क्योंकि ये आपको डाक में भेजना पड़ेंगे और फिर आपने उनको इशू करने हैं, उनके जो है वो पास आपने इशू करने हैं, ठीक है, लग गया पता। और इसके अलावा एक और चीज़ है होती है एक उनका जो है वो आने जाने का जो है एनेक्शन नंबर 17 है जो है मूवमेंट सीट है, क्योंकि आपको मालूम है एक पार्टी से 2 एजेंट जो है आप नियुक्त करते हैं, एक अंदर रहेगा और एक जो है बाहर हमेशा रहेगा, एक एजेंट अंदर रहेगा, जब वो रिप्लेस होते हैं कब गए कब आए तो वो मूवमेंट सीट उसमें आपको सारा कुछ एंट्री जो है वो खुद करेंगे, ये सीट भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बनाएगा और इसे भी वापस में आपसे लिया जाएगा डॉक्यूमेंट के तौर पर। फिर आता है पर्सन एंटाइटल्ड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन, आपको मालूम है ये वो लोग हैं खासतौर जो है ईसीआई की तरफ से जो लोगों को पास दिए गए हैं वही अंदर आ सकते हैं, और आप लोग जो ड्यूटी के ऊपर लगे हैं या जो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है जो माँ के गोद में है, बाकी किसी को निर्देश नहीं है। और मैं कह दूं कोई फोटोग्राफर आता है जो ईसीआई की तरफ से, वो भी केवल दरवाजे से ही या अंदर आकर केवल मात्र वो आप लोगों के जो पोलिंग ऑफिसर है उनके फोटो ले सकता है, वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई ना जाए, ये किसी को निर्देश नहीं है। अब आता है, अब आपने जो है पहले 1 घंटे पहले जो है क्या करना है, आपने करना है मॉक पोल। तो याद रखिए जब आप इन मशीनों को जोड़ेंगे ना तो बेहतर है बीयू जुड़ेगा वीवीपैट के साथ और वीवीपैट जुड़ेगा जो है सीयू के साथ, क्लियर हो गया। ये मशीन अब बदल गई है, ये है M2, ख्याल रखना ये जब जुड़ेंगे स्टिचिंग से जुड़ेंगे कैसे, ये इस तरह से निशान जो है रेड और ब्लैक का दिया होता है, तो आपने रखना है यहां भी रेड और ब्लैक होगा तभी आपने उनके साथ रेड के साथ रेड मैच करना, और इसके साथ ये सही तरीका है आपने अच्छे से उसको जो है वो लगाना है, क्लियर हो गया। जब ये लग जाएगी फिर आपने इसको ऑन करना है, और ऑन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा भाई, वीवीपैट में जो है वो ऑटोमेटिकली जो 7 पर्चियां जाती है जो करेक्शन बताती है कि मेरा ये सारी चीज़ें जो है ठीक है, ये अपने आप कट के अंदर गिरेंगी, ठीक है, 7 पर्चियां, क्लियर है। तो इस तरह से ये आपने ज्वाइंट किया और इसको ऑन किया, क्लियर हो गया। एक और चीज़ आपने जो है, क्योंकि ये वीवीपैट का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर ये जो है लॉक और अनलॉक का सिस्टम होता है, ये जो बटन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप इसको ले जा रहे होते हैं तो लॉक की पोजीशन में रहती है मशीन, तो ये इस तरह से होता है वर्टिकल कंडीशन में होता है, इसे कहते हैं लॉक पोजीशन। रेडी पोजीशन खड़े हो जाना है ना, ये लेटी हुई पोजीशन, ये खड़े हो जाना, तो जब इसको
आपने ऑन करना है, तो ऑन करने से पहले इसको जो है वो ऊपर करना ना भूलिए, तभी वो वीवीपैट काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, उसकी पर्चियां नहीं कटेंगी। तो इससे बेहतर है क्या करेंगे आप, सबसे पहले मशीन को ऑन करने से पहले इस वीवीपैट को ऑन कर लेना। ऑन कैसे कैसे डायरेक्शन होगी, ऊपर की तरफ सीधे की डायरेक्शन में, अनलॉक पोजिशन में आ जाएगा और ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ही मशीन को आपने जो है डिस्प्ले करना। इसके बारे में खूबियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये 7 सेकंड, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, जैसे ही ईवीएम में कोई वोटर कास्ट करने के लिए जाता है, बीयू में जाता है, बटन दबाता है, तो क्या आता है, 7 सेकंड ये डिस्प्ले होती है पर्ची, और उसके ऊपर जो है सीरियल नाम, जो कैंडिडेट का नाम आता है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, वो इसमें पर्ची में आता है, और 7 सेकंड तक ये दिखती है, वोटर जो अंदर गया है उसको दिखेगी, और 7 सेकंड के बाद ही याद रखना जो बीप साउंड है वो मशीन सीयू जो है करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो ये लगभग जो है 14-15 सेकंड जो है सीयू लेता है अगले के लिए तैयार होने के लिए। तो याद रखना, आप ये सोचेंगे बीप साउंड नहीं आया तो इसका बस 7 सेकंड के बाद बीप साउंड आ गया, फिर अगले के लिए वो तैयार होगी। आगे चलते हैं, कंडक्ट अब आपने मॉक पोल करना है, तो भाई याद रखना है सीयू को जब आप जो है जब खोलेंगे ओपन करेंगे ना, तो इसके डोर को, एक तो बाहर वाला बड़े इजीली ओपन हो जाता है, ध्यान से लॉक को ध्यान से जो है वो आपने करना है, यहाँ भी लॉक होता है इसके बीच में, तो उंगली इस तरह से डालें और फिर अंदर की तरफ दबाएं और इसको जो है वो आप इस तरह से पूरा जो है वो सेक्शन को खोलेंगे। 2 सेक्शन होते हैं, दोनों को इजिली आराम से आपने खोलना, हो सकता है M3 में जो है एक ही सेक्शन हो, अभी मैंने चेक नहीं किया, तो इस प्रकार से ये नहीं सही, दोनों ही है। अब आता है, बात करते हैं कि इस मशीन को ऑर्डर में ही आपने चलाना है। देखिए, आपने मशीन नहीं चलानी है, मॉक पोल के दिन आपको अब चलाना पड़ेगी। आपने ऑन कर दिया मशीन को, पहले वीवीपैट को ऑन किया, फिर मशीन को आपने ऑन किया, उसके बाद 7 पैक जो पर्चियां वो गिर चुकी हैं। याद रखना, सबसे पहले एजेंट के सामने मॉक पोल 1 घंटा पहले आपने करना है, 50 नंबर ऑफ वोट आपने डालने हैं, और याद रखिए आप 15 मिनट तक वेट कर सकते हैं एजेंट के आने का। उसके बाद आप अपने पोलिंग ऑफिसर्स और अपने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ही अंडर ये सारा, लेकिन आपने उनकी फोटोज या वीडियो जो है बना लेनी है कि उस समय कोई नहीं आया था, और हम जो है वो फिर मॉक पोल जो है वो बीच में स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूटी में रहेगा, क्लियर है। तो आपने करना है, अब आती है कि कौन सा बटन आपने सबसे पहले दबाना है, और वो है क्लियर का बटन, याद रखना क्लियर दबाएंगे, और जो एजेंट है वो एक एक करके देखेंगे, सभी को 0-0 वोट जो है वो मिले ऐसा बताएगा, ठीक है। ये सीयू आपको डिस्प्ले करेगा कि एक कैंडिडेट को भी 0, दूसरे को भी, जितने कैंडिडेट होंगे उनको 0-0 आएगा। अब 0-0 करने के बाद वो लास्ट खत्म हो जाता है, तो अब वो तैयार है मशीन जो है, और अब आप बैलेट जो है दबा सकते हैं, ग्रीन बटन जल जाएगा और अब जो है वो तैयार है। तो ये बैलेट है, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपको जो बैलेट यूनिट है उसमें अब वोट कास्ट किया जा सकता है। पहला मॉक पोल ये दबाया, और आपने अब क्या करना है कि जितने भी एजेंट हैं उनको बोलना कि आपने अपनी ही पार्टी का वोट जो है वो डालना है, क्लियर है। अगर किसी पार्टी का नहीं आया है तो आपने पोलिंग जो ऑफिसर है उनको जो है उस जगह, तो याद रखना केवल उस व्यक्ति को जिस कैंडिडेट के लिए नियुक्त किया गया है वो उसी को ही कास्ट करे, और हो सके तो बराबर जो है वोट कास्ट हो जाए तो उससे और भी अच्छा रहेगा। तो 50 नंबर ही आपने करने हैं, लेकिन याद रखना 50 जो वोट कास्ट होंगे उसमें सबसे अंतिम जो नोटा होगा वो भी शामिल होगा, याद रखना नोटा को भी शामिल होगा, सभी को आपको डालना, और इसका हिसाब इसका जो है आपको डालना पड़ेगा फॉर्म में, तो इसलिए बेहतर है ये सारी चीज आपने फॉलो करनी है। तो ये ऑर्डर है इस मशीन का, याद रखना इनवैलिड कब शो करेगी, जब आपने पहला ही का रिजल्ट दबा दिया तो इनवैलिड का, तो टाइम और वेस्ट होगा। तो बेहतर कहां से शुरू करना है, क्लियर से शुरू करना है, फिर बैलेट सेक्शन आता है, बैलेट के बाद टोटल भी कभी हम देख सकते हैं बीच में, पता है ना टोटल कि कितने वोट अब तक कास्ट हो गए, टोटल देख सकते हैं। उसके बाद क्लोज होगा, जब 50 आपने कर दिए याद रखना, तो आपने क्या करना है, यहां पर क्लोज बटन दबाना है, और क्लोज के बाद आपने रिजल्ट देखना है, रिजल्ट आएगा एक एक करके, और बाद में जो है वो आपने इसको क्लियर भी कर देना, याद रखना इंपॉर्टेंट है मॉक पोल को क्लियर करना मत भूलना। तो ये मैं फिर से बता दूं, बटन सबसे पहले जो क्लियर का आपने दबाना है, उसके बाद आपने बैलेट का दबाएंगे तो आपका बीयू तैयार हो जाएगा, आपने हर कैंडिडेट जो है वो दबाएगा बटन, और इस प्रकार से ये मशीन जो है के द्वारा जो है वो इस मशीन के द्वारा वोट कास्ट हो जाएगा, और इस तरह की प्रक्रिया 50 की आपकी कर दी। जब 50 खत्म हो गए तो आपने क्लोज बटन दबाया, ये वाला है क्लोज बटन, और फिर जब ये हो गया आपका, उसके बाद आपने रिजल्ट बटन दबाया, और रिजल्ट में सभी कैंडिडेट को, थोड़ा टाइम लगता है, सभी कैंडिडेट को बताया गया कि इतने इतने वोट जो है वो मिले हैं, कास्ट हुए हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूं, क्या करना है, मशीन को क्लियर करना है, मशीन को ही नहीं करना है क्लियर, बल्कि वीवीपैट को भी आपने खाली करना है, जितनी भी पर्चियां उसको निकाल के, जैसे कि जो डाक दी गई उसमें आपने जो पैक करना है वो सारी चीजें। तो फिर से कहूंगा कि सीयू को जो है बिल्कुल क्लियर कर लें और वीवीपैट को खाली कर दें, ये काम जो है वो मॉक पोल के बाद का रहेगा, क्लियर है। अब इस बार जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट वो बदल गया है, ये 5
सेक्टर में आएगा। पांच अलग अलग फॉर्म जो होंगे, पहला जो होगा वैसा ही था जैसे मॉक पुल का सर्टिफिकेट हुआ करता था, तो ये आपको पूरा भरना है जिसमें एजेंट के साइन रहेंगे। दूसरा जो है पावर पैक रिप्लेसमेंट का होगा कि अगर जो है पावर रिप्लेस करना पड़े आपको यहां से निकाल के, तो उस समय जो है जो सेक्टर ऑफिसर आएगा और उस समय आप इसको बदलेंगे, तो दूसरा फॉर्म भी आपने भरना है। अगर नहीं होगा तो तब भी आपको भरना पड़ेगा, नील की रिपोर्ट आपको देना। थर्ड क्या है, प्रेसिंग ऑफ द क्लोज बटन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पोल, कि आपने खत्म हुआ मॉक पोल और आपने क्लोज का बटन दबाया, उसके लिए तीसरा जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। चौथा जो है और पांचवा जो है ये फॉर्म तब भरेंगे जब रिप्लेस आपको कोई यूनिट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें भी यूनिट बदलना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है मॉक पोल के दौरान का जो है, अगर मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट आपका खराब हो गया, मान लो बीयू खराब हो गया, तो बीयू ही बदलेगा। याद रखना इस चीज का ख्याल रखना, बीयू ही बदलेगा। वीवीपैट खराब तो वीवीपैट ही बदलेगा, कोई एक मशीन जो रिप्लेसमेंट होगी मॉक पोल के दौरान। लेकिन यदि जो है मॉक पोल के बाद जो रियल मतदान है, अगर उस समय कोई भी यूनिट खराब होता है, तो सारा का सारा जो है तीनों के तीनों यूनिट जो है बदल जाएंगे। तो इसलिए फॉर्म भी अलग अलग है। लेकिन ये फॉर्म जो दो फॉर्म है ये उस कंडीशन में, अगर चौथी कंडीशन में होता है चौथा फॉर्म आपने भरना है और ये सेक्टर ऑफिसर उसी समय आपसे ये फॉर्म ले लेगा। केवल मात्र ये तीन जो फॉर्म है वो आपके पास रहेंगे और आपने इसको एक लिफाफे में रखना है, और ये मॉक पोल का जो तीनों फॉर्म एक लिफाफे में रहेंगे, ये सीयू के साथ लगने वाला है इस बार डॉक्यूमेंट से। याद है इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, हो गया। तो अब चलते हैं आगे। ये आपका जो है वो फॉर्म रहता है पार्ट नंबर एक, ये दो फॉर्म का है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है जो आपको लेना है, वहां आपको मिल जाएगा फॉर्म, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर मॉक पोल कवर, जो मॉक पोल है उसका कवर है, उसको जो स्लिप्स आपने वीवीपैट से निकाली उसको कैसे करते हैं मेंटेन, पता है ना आपको। जो मॉक पोल के लिए जो है क्या है, सबसे पहले मॉक पोल के पीछे जो है एक स्टैंप लगती है जिसे कहते हैं मॉक पोल्स, जो है वो आपको एक दिया होगा, स्टैंप दी होगी, उसको आपने पीछे लगाना है, उसके ऊपर लिखा होगा मॉक पोल, तो वो जरूर सभी स्लिप के पीछे आपने लगानी है। और उसके बाद क्या करना है, एक छोटा ब्लैक एनवलप होगा, उसके अंदर आपने वो सारी पर्चियाँ डालनी है, और उसके बाद वो सारी, उसके ऊपर जो है याद रखना कैंडिडेट के साइन भी कर सकते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा उसके ऊपर, सील करने के पश्चात उसके ऊपर साइन लेंगे सभी, और उसके बाद उसको जो है एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर जो है क्या किया जाता है, एक पिंक सील जो है उस बॉक्स के ऊपर पिंक सील जो है पेपर लगती है जैसे का वो मालूम है। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि हो सकता है मशीन खराब हो गए तो फिर से आपको मॉक पोल करवाना पड़ेगा, तो उस स्थिति में आपको फिर से वो पिंक सील जो है तोड़ना पड़ सकती है, तो इसलिए बेहतर है इसको बाद में करें, ताकि जो है फिर अगर ऐसा होता है तो फिर से आपने मॉक पोल करवाना है। तो याद रखना, यहीं बता देता हूं कि अगर दूसरी बार जब आपको मॉक पोल करवाना पड़े, मशीन नहीं आई है तो करवाना पड़ेगा डेफिनेटली, तो उस स्थिति में आपने जो है मॉक पोल केवल मात्र एक एक हर कैंडिडेट को पढ़ना जरूरी है, 50 नहीं करने, याद रखना 50 करवाने की दूसरी बार आवश्यकता नहीं है, हर कैंडिडेट को एक एक बोर्ड जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है वो जो वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं वो आपको डाली जाती है, और वो जो बॉक्स होता है बाद में एक ब्लैक बड़ा लिफाफा होता है उसमें उसको डालना होता है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं, अब आता है सीलिंग ऑफ द ईवीएम। अब आपने मॉक पोल कर दिया है, अब ईवीएम को सील करना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ईवीएम को ऑफ कर लीजिए, अगर आपने ऑन रखा तो कहीं गड़बड़ होगी तो फिर से आपको पीछे से सारा काम करना पड़े, तो क्या करेंगे आप, ऑफ करेंगे मशीन, ऑफ करेंगे, और जब आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए वीवीपैट आपने खाली कर दिया होगा ना, जो जब स्टार्ट ऑन करेंगे तो क्या होगा, वीवीपैट में 7 स्लिप्स जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफ कीजिए मशीन को, और उसके बाद ही आपने सीलिंग का काम जो है वो करना है। सीलिंग का काम बहुत इजीली है, सबसे पहला कंपार्टमेंट आता है ये रिजल्ट सेक्शन कंपार्टमेंट, जो ग्रीन पेपर सील हो इस तरह से डालना है कि जो बाहर को आएगा यहां पर नंबर होगा, यहां बाहर के यहां जो नजर आना, यहां पर नंबर होगा इस सील का वो नजर आना, एक ही सील जाएगी यहां से घुसेगी और यहां को निकाल देंगे आप ग्रीन पेपर सील, और यहां पर नंबर इस साइड को आना चाहिए, क्या बराबर पोर्शन में ये बंटना चाहिए हिस्सा, इतना और इतना, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए रिजल्ट सेक्शंस को, और ये बाहर को नजर आनी चाहिए आपकी, ये जो पार्ट है बाहर, देखिए नंबर क्या डिस्प्ले हो रहा ना बाहर को, तो ये नंबर जो है इसके ऊपर आना चाहिए, और तभी ये डिस्प्ले पर नंबर जो है बाहर की तरफ आएगा, इस चीज को लगाने का, इस तरफ को नहीं आना चाहिए, इस तरफ के नंबर आना चाहिए, हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पर जो है धागा लेकर जो इसको 2-3 घंटे मारनी है, और थोड़ा से दूरी के ऊपर आपने जो इसका जो स्पेशल टैग है इस तरह का होता है ना, जो इस तरह से कॉर्नर जो है वो बिल्कुल सही बैठते हैं, बीच वाला हिस्सा भी बिल्कुल आराम से आ जाता है और क्लोज बटन इसके अंदर से जो है दिखता है, तो ये स्पेशल टैग बोलते हैं इसको। लेकिन याद रखिए, मैं भूल गया था कि जब भी ग्रीन पेपर सील को आपने यूज करना है, पहली ग्रीन पेपर सील कीजिए, उसको पकड़िए हाथ में, और जितने भी एजेंट हैं उनको उनका नंबर लिखवाइए कि मैं इस पेपर सील का ये वाला नंबर जो है वो यूज कर रहा हूं, मतलब इस सील को यूज कर रहा हूं, और वो नोट करवाना है अपने एजेंट को,
ये प्रक्रिया वो सेटिस्फैक्ट होने चाहिए कि हाँ सचमुच जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल सावधानी के साथ और बड़ा पारदर्शिता के साथ हो रहा है, तो इसलिए जो लिखवाना जरूरी होता है। दूसरा, इसी सील के ऊपर जो है साइन आपने उनके करवाने हैं, लेकिन किस जगह पर? दूसरी जगह पर साइन जो है नजर नहीं आना चाहिए, ऊपर वाले हिस्से के ऊपर साइन नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह के ऊपर उनके साइन करवाइए और पीआरओ भी साइन करेगा, तो इसलिए याद रखना, ये मैं भूल गया था। इसी तरह से स्पेशल टैग के बैक साइड आप उनके साइन जो है ले सकते हैं, क्लियर है? तो इसको टैग देखिए, इसको जब आप ये स्पेशल टैग लगाएंगे, सील करेंगे, तो सील करने के नीचे जो है जरूर कार्डबोर्ड रखिएगा ताकि मशीन खराब ना हो। बॉडी इंपॉर्टेंट है और कॉस्टली मशीनें हैं, घर की तरह यूज इस्तेमाल कीजिएगा। तो सील करने के बाद ये अगर ढीला होगा ना धागा, तभी ये आराम से यहाँ बैठ पाएगा, नहीं तो अगर आप यहीं टैग कर देंगे तो ये नहीं बैठेगा और मशीन आपकी जो है बंद नहीं होगी। तो इस स्पेशल टैग लगाएंगे, रिजल्ट सेक्शन बंद किया, स्पेशल टैग आपने लगा दिया, क्लियर हो गया। अब जो है इस तरह से मैंने आपको कह दिया था कि बाहर जो है नजर आएगी, यहाँ स्पेशल टैग जो फिट बैठ जाएगा, आपने कर दिया है। अब इसके बाद जो है इसको सेक्शन को भी बंद कर दीजिए पूरी तरह से, अब बाहर वाला आउटर जो है उसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर आपने जो है वो जो स्पेशल सॉरी जो टैग है एड्रेस टैग है उसको लगाना है प्रॉपर तरीके से सील करके, इस तरह से हो गया। अब वो अभी भी जो है जो ग्रीन पेपर सील हो बाहर नजर आएगी, जब इसको मैं ऐसे पलटूंगा तो बाहर की तरफ को क्या क्या आ जाएगा, उसका नंबर नजर आएगा आपने स्थिति को, और इस तरह के इनके जो साइन रहेंगे। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, एक लंबी सी स्ट्रिप सील आती है लंबी सी, उसका ए पार्ट अपनी तरफ देखेंगे तो ए आपको सीधा नजर आएगा, उल्टा नहीं करेंगे, अगर उल्टा हो गया तो आप गलत हो गया, इसका मतलब सही नहीं लगा रहे हैं। ए पार्ट को नीचे रखना है इस ग्रीन पेपर के नीचे वाले हिस्से के ऊपर, और यहाँ से हटा देना है एक ग्लू वाला जो पेपर होता है उसको हटाएंगे तो ग्लू जो है इसके ऊपर जो है चिपक जाएगी, तो ए को हटा दिया और यहाँ से इसको चिपका देना है, क्लियर है? ये पहला पार्ट हो गया। और इसको अब कई बार जो है ये जो है बड़ी होती है, लेकिन इस बार बराबर ही मिलेगी आपको, फोल्ड करने की जो इतना फोल्ड नहीं करना है, यहाँ से ही फोल्ड करना है ताकि ये यहाँ पर चिपके ना, तो बेहतर है छोटा सा फोल्ड यहाँ से ही देना है इसको, इतना नहीं। अब बी सेक्शन ऊपर से आएगा, ए नीचे से चिपक गया, बी जो है ऊपर से इसका पेपर हटाया और बी यहाँ से चिपक गया। अब बी चिपक गया तो ये जो है इस तरह से चला गया, और इसके ऊपर सी आता है, इसके टॉप पे सी आएगा, जब आप इसको घुमा कर लाएंगे, ठीक है ना, सॉरी सी अभी नहीं, इसको हटाएंगे तो ये वाला जो है इधर चिपकेगा, सी हो गया, ऊपर वाली जो है ग्रीन पेपर सील जो है वो इधर, और ये देखिए नंबर नजर आ रहा है ना, और इसी तरह इस तरह का इसका नंबर भी जो यहाँ जो है नजर आएगा, इस तरह इसको घुमाएंगे पीछे से और पीछे से घुमाते हुए इसको ले जाएंगे सही तरह से, और इसको यहाँ चिपक जाएगा आपका, क्योंकि वो डी सेक्शन जो है इसकी इसी स्ट्रिप सील के टॉप के ऊपर होता है और वो सीधा ही चिपक जाएगा यहाँ पर, क्लियर है जी? तो ये सीलिंग का जो है प्रोसेस है जो आपने, लेकिन याद रखना ये इस तरह से हो कि ये क्लोज से अलग हो, ऐसा नहीं इसके ऊपर लगा दिया तो फिर जब आप क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये फट जाएगी, तो ये सील फटनी नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे रखना है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए रखा था। अब देखिए तैयार होने के बाद जो मशीन है वो इस तरह से नजर आएगी, ये ऑलरेडी जो है सील्ड होती है, ये आपने करा है, है ना, ये आपने करी है और ये सीले भी पेपर सीले आपने लगाई हैं। बीबी पैड को भी आपने यहाँ पर याद रखना, ये ऐसा आपको मिलेगा, ये खोलने के लिए होते हैं, बड़े ध्यान से इसको खोलना है, और अंदर से जो है ये ऑलरेडी रहता है बंद, यहाँ से जो है वो आपने इसको खोलना है और जो जितने भी स्लिप्स हैं वो बाहर निकाल दी थी मॉक पोल की, अब ये खाली है और खाली होने के बाद ही दिखाना है उनको कि खाली है, और खाली होने के बाद ही आपने यहाँ दो टैग जो है एड्रेस टैग जो है वो सील कर देने हैं, बंद कर देने हैं, क्लियर हो गया। तो ये तैयारी होगी आपकी मशीन की, तैयारी होगी, आपने कंप्लीट जो सील कर दिया। अब सी यू को आप यहाँ रखेंगे, बी यू को यहाँ रखेंगे और साथ में रखेंगे आपका जो है जो वी वी पैट है, और बी वी पैट को रखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अब आपने जो है वो काम शुरू करना है ओरिजिनल काम बोर्ड कास्ट करने का। तो अब सीयू को जो है वो थर्ड जो पोलिंग ऑफिसर है उसको ऑन करेगा, और ऑन करते ही जो आपका वीवीपैट रखा है वो वीवीपैट से जो स्लिप है जो है वो निकलना, साथ जो है निकलेंगी, और उसके बाद सीयू अब तैयार हो जाएगा कि अब जो बोर्ड कास्ट कर सकते हैं, उसका ग्रीन जो बल्ब है वो जल उठेगा। तो ये इस तरह से आप जो है वो बैठ जाएंगे। अब आता है जी प्रोसीजर्स ड्यूरिंग पोल स्टार्ट। अपने पोल स्टार्ट करने से पहले एक और जरूरी प्रक्रिया है कि सेक्शन नंबर जो 128 में बहुत सारी चीज एनेक्सर 1-2 में जो है वो दी गई है कि ऐसी छोटी सी चीज़ कोई कुछ एक चीज़ आपने रख लेनी है, बहुत बड़ा है ये पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या दिया गया है कि भाई अगर आप यहाँ की जो वैधता है उसको भंग करते हैं तो उसके लिए ये प्रावधान है, उसके लिए ये सजाएं जो है वो निश्चित है। ये जरूर जो है एजेंट को या जो वोटर वहाँ पर होंगे वो जरूर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जरूर जो है अवेयर करेंगे कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। फिर दूसरा क्या होता है, एक डिक्लेरेशन बाय पी आर ओ, ये एनेक्चर्स है, एनेक्शन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन बाय द पीआरओ की मैंने ऐसे ऐसे काम जो है सारे मैंने किए, उसमें एक एक करके आएगा और उसमें एजेंट के साइन भी होंगे, ये भी आपने जो है वो साथ साथ जो उसी टाइम जो ये काम करना है। और याद रखना कि
एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास है, रजिस्टर ऑफ वोटर, ठीक है, जिसके ऊपर साइन होते हैं, वोटर के साइन भी होते हैं, आगे बात करेंगे। उसके ऊपर पीआरओ लिखेगा टॉप पे, याद रखना सीरियल नंबर एक से ऊपर जो खाली जगह होती है उसके ऊपर, सीरियल नंबर वन के आगे मत लिख देना कहीं गलती से, सीरियल नंबर वन जहां से जरूरत टॉप के ऊपर ये लिखना जरूरी हो गया है कि टोटल इन द सीयू चेक्ड एंड फाउंड टू जीरो। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, हमने क्लियर नहीं करी थी मशीन और उससे क्या किया कि उससे खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो सारा का सारा जो पूल था वो व्यर्थ हो गया, फिर से करवाना पड़े और जितनी भी पोलिंग पार्टी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे बचने के लिए क्या किया कि ये अवेयर हो जाएं कि सचमुच मैं लिख रहा हूं वो मैंने किया है कि नहीं किया है, अगर गलती से नहीं किया तो उससे मैं अवेयर। इसलिए जो कहा गया है कि आपने वोटर ऑफ रजिस्टर में 17 जो ए है उसके ऊपर टॉप में जहां से शुरू का आपने किया है उसके टॉप में खाली जगह के ऊपर आपने ये लिखना है टोटल इन द सीयू चेक्ड एंड फाउंड टू बी जीरो। क्लियर हो गया जी। इसके अलावा जब एंड होगा पोल, याद रखना रजिस्टर ऑफ वोटर में पीआरओ का ही काम है, एंड में भी आपको सर्टिफाइड एक करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें आएंगी कि कितने जो है टोटल वोट कास्ट हुआ उसमें ईडीसी कितने थे, एएसडी वोटर कितने थे, याद रखना ईडीसी कितने थे और एएसडी कितने थे वो भी बताने पड़ेंगे आपको, जरूरी है टोटल में, केवल ऐसा नहीं कि सीधा टोटल लिखा, उसमें ये चीजें जरूर बता देनी है। फिर ठीक है, ये विदाउट आ गया, पहले पहले लिखेंगे विदाउट, फिर ईएसडी कितने थे उसमें, एएसडी कितने थे और टोटल पोलिंग कितनी हुई उनको मिलाकर, वो आप परसेंटेज भी दे सकते हैं और क्लोज टाइम आप बता सकते हैं कब कितने एग्जैक्टली टाइम पर आपका जो है बंद हुआ वोट, और सिग्नेचर ऑफ पीआरओ ये एंड में देगा उसी रजिस्टर में। ये इंपॉर्टेंट है और ये नई चीज है, इसका ख्याल रखना है। अब आता है एक और चीज है, क्योंकि आप वोट कास्ट नहीं करेंगे मशीन को, जिसे कहते हैं टेस्ट वोट, पहले टेस्टिंग करते हैं मशीन के, अब नहीं करते हैं भाई, लेकिन ये स्थिति आ सकती है टेस्ट वोट करने की। कब आएगी ये आ सकती है टेस्ट वोट करने की, कि कोई गया कैंडिडेट और उसने देखा कि जो वीवीपैट है वो पर्ची वो नहीं काट रहा है जो उसने बटन दबाया, क्लियर है, उसने कांग्रेस का दिया और कहीं पर्ची कोई दूसरी आ गई, या बीजेपी के दबाए पर्ची किसी और की आएगी, तो उसने बोला भाई देखिए आपका जो वीवीपैट है वो गलत पर्ची जो है दिखा रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो याद रखिए सेक्शन नंबर 177 आईपीसी की धारा, आपको 1000 का फाइन भी हो सकता है और 6 महीने की सजा हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको चैलेंज ना करें, अगर आपने चैलेंज किया है तो सीधी बात है उसका चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, उसका एनेक्चर जो है भरवाइयों से 15 एनेक्चर्स है उसको आपने भरवाना है। और एक और फॉर्म आ गया है, देखिए नई चीज आ गई है, ये फॉर्म भी आपके पास होगा, उसके ऊपर आपने पूरी जो है वो चीजें भरनी है, पीआरओ ख्याल रखेगा ये उससे भरवाना, ये आपने खुद भरना है और ये चीजें करनी है, कब, जब टेस्ट वोट हो रहा है, क्लियर है, टेस्ट वोट हो रहा है तो भाई आपने पहले भी उसकी जो है रजिस्टर ऑफ 17A में जो है एंट्री कर दी थी, अब उसने कहा कि भाई नहीं गलत दे रहा है तो आपने क्या किया उसकी सेकंड एंट्री की, याद रखना सेकंड एंट्री की आपने उसकी, लेकिन सेकंड जो एंट्री होगी उसके आगे जो है वो आगे आपने क्या लिखना है टेस्ट वोट, सेकंड एंट्री हुई उसकी रजिस्टर ऑफ वोटर में और वहां लिखना है आपने टेस्ट वोट, क्लियर हो गया जी। टेस्ट वोट अगर आप लिखेंगे, अब टेस्ट वोट लिखने के पश्चात अब आपने क्या करना, प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो जो है कैंडिडेट के साथ नहीं, सॉरी एजेंट के साथ, अगर कैंडिडेट वहां पर होगा तो कैंडिडेट भी साथ में रहेगा, एजेंट भी साथ रहेंगे और कंपार्टमेंट में जाएंगे और सामने ही वोट कास्ट करवाएंगे, ठीक है। अब सामने वोट करवाएंगे तो बटन दबा और आपका ध्यान जो है किसके ऊपर, बटन के ऊपर भी और साथ में वीवीपैट को, अगर उसकी जो है जो उसने कहा वो सही पाया गया कि पर्ची कोई और आई तो इसका मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा का पूरा, आपको बोला सारी मशीनें जो है रिप्लेस होंगी तो रिप्लेस होंगे, आप सेक्टर ऑफिसर को फोन करेंगे और आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है उसके साथ कोई भी ये सेक्शन जो है नहीं लगेगी, वो सही पाया गया। अब आपने क्या करना है भाई, अब उसकी जो है वो थर्ड एंट्री करनी है, जब नई मशीन आएगी ना तो अब उसने वोट तो कास्ट, देखिए इफ एलिगेशन इज ट्रू तो क्या करें, अलाउ वोटर टू कास्ट वोट एंड रिप्लेस, उसको आपने जो है वो कास्ट करना है वोट, क्योंकि अभी उसका वोट कास्ट नहीं हुआ है, पहली एंट्री करी थी तो उसने जो डाला वो गलत स्लिप आ रही थी, दूसरा टेस्ट वोट उसने किया है, अब वो तीसरा जो है वोट करेगा, लेकिन याद रखना एंट्री आपने नहीं करनी है, दो एंट्री उसकी हो चुकी है, पहली जो एंट्री है वही मानी जाएगी क्योंकि आपने उसको काट दिया, वोट उसने कास्ट कर दिया, लेकिन उसने आपका नई मशीन में उसको वोट कास्ट करना पड़ेगा, याद रखना उसका वोट वो ओरिजिनल होगा, समझे बात। तो ये आपने जो है ख्याल रखना, टेस्ट वोट कैसे करवाना है ये इंपॉर्टेंट है, नई चीज है, ऐसा होगा नहीं लेकिन आपने तैयार रहना है। प्रोसीजर ड्यूरिंग द पोल ऑफ स्टार्ट हो गया, या मैंने आपको बता दिया है कि आपने 128 डिक्लेरेशन ऑफ पीआरओ ये हो चुकी है बात। अब कहता है अरेंजमेंट ऑन पोलिंग पोल डे,
पोल डे में पोलिंग स्टार्ट जो 2 आवर्स, ये भी मैं जो है आपको डिस्प्ले जो है कर चुका हूँ पहले ही। टेंडर बैलेट पेपर जो है वो क्या होता है, इन केस ऑफ यूज टेंडर बैलेट पेपर कब होता है, जब मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति आके आइडेंटिटी, पहले जो पोलिंग ऑफिसर थे उन्होंने गलती करी आइडेंटिटी करने में और वो उसकी जगह वोट कास्ट करके चला गया है। अब रियल जो वोटर है वो आ जाता है और कहता है ये तो मेरा था, यहाँ तो कोई और डाल के चला गया, तो उस स्थिति में डाला जाता है टेंडर बैलेट पेपर। वहाँ पर ये दोनों ही काम उससे नहीं करवाया जाएगा, ना इस मशीन को ऑन किया जाएगा ना ही ये यहाँ पर वोट कास्ट कर सकता है। वोट कास्ट करेगा कैसे, बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर उसको दिया जाएगा, उसमें भी कैंडिडेट वही होंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं, और उससे ठप्पा लगवाया जाएगा एरो क्रॉस मार्क से जो है, जैसे होते थे पहले, तो उस तरह से उसका जो है वो करवाना। लेकिन याद रखना है इसमें बैक साइड में जो है वो प्रेजाइडिंग पीआरओ जो है वो साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा टेंडर बैलेट पेपर। वैसे वो काउंट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको तैयारी आपने इस तरह से करनी है। और प्रॉपर जो है याद रखना, जो पोलिंग ऑफिसर है वो ध्यान से इसको जो है फोल्ड करेंगे जैसे इनको बताया गया है, और फिर उसी फोल्ड में उसको जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास वो जाएगा। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर एक तो फॉर्म नंबर एंट्री जो होगी उसकी याद रखना 17A में नहीं होगी, सेकंड पोलिंग ऑफिसर उसकी एंट्री नहीं करेगा, पीआरओ प्रेजाइडिंग ऑफिसर ही उसकी फॉर्म रहेगा 17B उसके पास, उसमें उसकी एंट्री करनी है। और आपने बैलेट पेपर लेके उस फॉर्म को और 17B को और उसका बैलेट पेपर जो एक लिफाफा है आपको दिया उसमें आपने उसको रखना है उसका हिसाब, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना 17C में उसका कोई वोट ऐड नहीं होगा, वो फॉर्म नंबर 17B में उसका जो है एडिशन होगी और उसको बैलेट पेपर से वोट कास्ट करना पड़ेगा। यह टेंडर बैलेट पेपर। अब आता है चैलेंज वोट इज फर्स्ट डे ऑफ द कोई भी जो जर्नी, जनवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ये डेट वो है कि हर बार जो है फर्स्ट जनवरी जो है माना जाता है, 2020 है, 21 है, 22 है, तब जो रिवीजन होता है उस समय उनकी जो आयु है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस डेट को उसकी आयु जो है फर्स्ट जनवरी को उसकी आयु जो है कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तब उसका बूट जो है बनेगा। लेकिन कई बार होता है जो है गलती से कईयों का जो है वो पहले ही बन गया हो, कुछ हो गया हो और कोई चैलेंज कर देता हो, उस स्थिति में जो है ये स्थिति आती है। तो क्या करते हैं भाई, अब उसका बूट तो बन गया है, उसका एनेक्चर लिस्ट एनेक्चर नंबर 9 है, 7 है, और लिस्ट उसकी बनती है एनेक्चर नंबर 9 में। तो ये दोनों काम आपने कर लेना ताकि वो वोट कास्ट करेगा, पहले लिखेगा, अगर वो गलत पाया जाता है तो सजा का प्रावधान भी है, वो जा सकता है, हो सकता है वो समझ जाए कि भाई गलत है, मेरी अभी आयु नहीं हुई है तो जा भी सकता है, लेकिन वो कहता कि नहीं मैं तो मेरा तो सही वोटर है, तो उसे ये दो फॉर्म भरना पड़ते हैं, उसके बाद वो वोट कास्ट जो हुआ कर सकता है, ठीक है। चैलेंज की बात आती है जहां पर, तो जब भी चैलेंज कोई करेगा तो सबसे पहले आपने, अगर वो टिका रहा हूं वहां पर लाइन में कि मुझे तो वोट कास्ट करना ही, मैं वही व्यक्ति हूं, ये आइडेंटिटी की बात होती है कि नहीं आइडेंटिटी वो गलत बता रहा है, तो भाई तब उस स्थिति में आपने क्या करना है, जो चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करने वाले कौन होंगे आपके पास, जो एजेंट बैठे हैं, एजेंट ने चैलेंज किया कि भैया गलत व्यक्ति है या इसकी एज कम है, तो उस स्थिति में जो है आपने क्या करना, 2 रुपए की फीस जो है काटनी है जो आप रिसिप्ट बुक दी गई है, और फिर आपने आगे की कार्यवाही करनी है, उसकी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना। अगर उसकी आइडेंटिटी गलत पाई गई, जो एजेंट कह रहा था कि ये गलत व्यक्ति है, तो याद रखना फिर उसकी फीस आपको वापस करना पड़ेगी, उसकी स्लिप काट के जो उसको वापस करने 2 रुपए, और उसे जो पकड़ के कहाँ डालना है, जेल में डालना है। क्लियर बात है, ये पहले ही उससे बात कर लें भाई ऐसा होगा गलत पाए गए तो इसलिए बेहतर है पहले ही चले जाओ, ये कार्रवाई ना हो। तो इस स्थिति में जो है वो चैलेंज वोट होते हैं और फीस भी काटी जाती है 2 रुपए की फीस। अब आता है ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर, जो ब्लाइंड अंधे हैं या बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं जिनकी सहायता पड़ती है कंपेनियन की, बिना कंपेनियन के वो वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं, तो उस स्थिति में कंपेनियन को अलाउ किया जाता है, ठीक है। लेकिन किस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंपेनियन की आयु जो है मोर देन 80 होनी चाहिए, वो वोटर हो चाहे नहीं हो, यह रखना, वो जरूरी नहीं है कि वो वोटर होना चाहिए उस जगह का, वो हो चाहे नहीं, लेकिन उसकी एज कितना होनी चाहिए, 18 साल जो है वो होनी चाहिए, और एक बार ही किसी का एक जो है कंपेनियन बन सकता है, और कोई भी एजेंट कंपेनियन नहीं हो सकता है, याद रखना। तो कंपेनियन जो है एक बार आ सकता है, और याद रखना जब भी उसको इंक लगाई जाएगी तो दोनों को ही लगाई जाएगी, जो वोटर है असली में है, जो अंधा है या बहुत कमजोर है उसके तो वही है लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, अगर वो कंपेनियन आया तो उसके राइट हैंड के 4 फिंगर में आपने जो है वो निशान, राइट हैंड की 4 फिंगर में निशान लगाना है कंपेनियन के, दोनों के ही जो है, और इस तरह से उनकी जो एंट्री होगी फॉर्म नंबर 14A दिया होगा जिसमें लिस्ट ऑफ ब्लाइंड और इन्फॉर्म वोटर होगी, एक एक करके आपने सभी की लिस्ट इसी के ऊपर बनेगी। और लेकिन कंपेनियन का हर बार नया फॉर्म जो भरा जाएगा, ये कंपेनियन का फॉर्म है, क्लियर है, उनके साइन ले रहे हैं, तो ये आपने करना है। अब आता है वोट ऑफ बाय प्रॉक्सी की, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके पति आर्मी में रहते हैं और आर्मी वाले जो है वोट कास्ट करने के लिए नहीं आते, तो वो अधिकार जो अपनी वाइफ को देते हैं और उसे कहा जाता है प्रॉक्सी
वोटर, ठीक है, एक तरह से आपके पास जो पूरा ईडीसी जैसे आता है बन के, वैसे ही जो प्रॉक्सी का भी आपके पास बन के आता है। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर उसको कलेक्शन करेगा, देखेगा वैधता उसकी, और उसके बाद अलाउ वैसे ही देना है जैसे दूसरे नॉर्मल में दिया है देना है। लेकिन बात इस चीज़ का रखना है कि इंक जब आप लगाएंगे तो लेफ्ट की फोर फिंगर में नहीं लगाना है, जबकि लगाना कहाँ है, मिडल में, लेफ्ट के ही मिडल फिंगर में जो निशान लगेगा, याद रखना, ये ख्याल रखना कि उसकी इंक जो है वो मिडल में लगानी, क्योंकि उसका वोटर भी वहां पर है अपना, तो अब जब उसको लगे वो अपना वोट कास्ट करेगी तो किसमें, वो फोर फिंगर में निशान लगेगा, लेफ्ट के फोर फिंगर, इसलिए मिडल में लगाया जाता है प्रॉक्सी के केस में। और बाकी वैसे ही चीजें जो है होंगी, जो चेंज होगा मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। वहां पर अगर चेंज कहाँ है, रजिस्टर ऑफ वोटर में जब आप एंटर करेंगे तो वहां पर रिमार्क्स में आपने क्या लिखना है, प्रॉक्सी वोटर, सिर्फ इतना फर्क है, क्लियर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, याद रखना ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई लोग जो है इसको सबसे लास्ट में भरते हैं, जो सबसे गलत है। इस बार कहा गया कि साथ साथ आपने सारा जो है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, जब भी कोई ऑब्जर्वर आएगा वो पूछेगा कि कहाँ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, अगर आपने नहीं भरे होंगे कॉलम तो आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। बेहतर है जो पहले उसमें डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए पहले ही भरे जाएंगे, स्टार्ट जब पोल होगा तो उस समय आप इसको भरना शुरू कर देंगे। और मैंने टोटल में कहा है कि ईडीसी का उसमें जरूर बताना है कितना ईडीसी और एएसटी कितने वोटर हुए। और एक और आपको चेंज करना पड़ेगा कि टाइम, क्योंकि इस बार जो 8 से दिया गया है तो आपने 8 से ही यहां पर करना है, दो दो घंटे का, तो 8 से 10 हो जाएगा, 10 से 12, 12 से 2, और 2 से 4, और 4 से 6 बजे आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको चेंज खुद ही करना पड़ेगा फॉर्म में, उसी तरह की एंट्री आपने यहां पर करनी है, क्लियर है। अब आता है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्ड, ये 17C जो है, नेक्स्ट नंबर 11 जो है अकाउंट ऑफ वोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और इसकी प्रतियां बहुत सारी आपको लगने वाली है। एक ओरिजिनल रहेंगे, बाकी सारी डुप्लीकेट में बनेगी, लेकिन ख्याल रखें जब भी आप डुप्लीकेट बनाएंगे हाथ से कीजिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए प्रयोग करते हैं उसका जो रहता है आपका जो प्रिंट कर लेता दूसरी तरफ को, मैं नाम नहीं आ रहा, तो ख्याल रखना उसका इस तरह से रखिए कि ये जगह जो ऊपर ना चले, ओवरलैप ना हो जाए, जब आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे ओवरलैप, और बिल्कुल साफ जो है वो दिखाई देने चाहिए, इस तरह की डुप्लीकेट कॉपी आप जो है निकालेंगे, क्लियर हो गया। तो कार्बन सही से लगाना है और इसको भी सही से सेट करना है, तभी नहीं तो आपने कोशिश कीजिए कि हाथ से ही बनाइए। और ये लास्ट में जब एंड पोल होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मशीन के साथ आपका जाएगा, और यहीं को देख कर ही मशीन का रिजल्ट भी आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो आप नहीं भरेंगे, पहला पार्ट आप सारा कंप्लीट भर के जो है वो देंगे, दूसरा पार्ट खाली रहेगा, क्लियर है, ये उस दिन काम आता है। एक और चीज रहेगा, 16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट होती है, इंपॉर्टेंट होता है, यस नो ही ज्यादा कर होता है, ये भी आपने भर के देनी है। और विजिट सीट ये आपने पीआरओ जो है अपने टेबल के ऊपर रखेगा, पहले ही भर के रखेगा इनको, और क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वर आता है वो अपने साइन करेगा, नाम लिखेगा और साइन करेगा कब वो आया था, उसने क्या देखा रिमार्क्स में, तो बेहतर है अच्छे से काम करिए ताकि यहां पर कोई भी ऐसा रिमार्क्स जा ले। अब आता है ड्यूटीज ऑफ पोलिंग ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है समझ लेना चीज को। पोलिंग ऑफिसर नंबर एक इंपॉर्टेंट काम है, आपके पास तीन डॉक्यूमेंट होंगे, एक नहीं तीन डॉक्यूमेंट आने वाला है। एक तो होगा आपके पास इलेक्ट्रोल, जहां जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है पूरी तरह से आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी कौन व्यक्ति है। तो भाई कोई भी जो है वो जब आप किसी को करें, मान लीजिए मेल आता है, तो उसके लिए बताया गया है कि राइट से लेफ्ट की तरह आइडेंटिकल जो है आपने एक लाइन जो है रेड पेन से जो लगानी है जिस वोटर का जो कास्ट करेगा। और फीमेल है तो आपने उसका सीरियल नंबर को क्या करना है, गोल करना है, ताकि क्योंकि बीच बीच में आपसे मेल और फीमेल की जो है वो लिस्ट मांगी जाती है, संख्या मानी जाती है। तो उस स्थिति में जो क्या होगा, जो पहला पोलिंग ऑफिसर है वो इन गोले को नोट करेगा कितने हैं, वो फीमेल हो गए, टोटल में से माइनस कर लीजिए तो मेल फीमेल का हिसाब जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको और भी हेल्पफुल करने वाली है शॉर्टली, वो है मेल और फीमेल का इस तरह के अगर टैली मार्क्स आप बना रखें, लोग बनाते हैं और काटते रहिए, जब भी कोई मेल आ गया, मेल आ गया तो 32 काट दिए, फिर और आ गया 33 कर दिए। तो ये अगर मैं पूछूं कि किसी ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूछा कि बताओ जी कितने हुए, तो उस समय की स्थिति है कि 31 जो मेल हो गए और 28 जो फीमेल होगी। तो ये हेल्पफुल हो जाता है, ये भी हेल्पफुल है, ये भी, ये शॉर्टली एकदम से पता लग जाता है। तो बेहतर है कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं कह रहा था इलेक्ट्रोल मिलने वाली है, मार्क कॉपी इलेक्ट्रोल आपके पास है। एक और चीज आपके पास आने वाली है, वो है आपका जो है एएसटी वोटर की लिस्ट और पीडब्ल्यूडी की वोटर लिस्ट। लेकिन याद रखना उसमें इस तरह का फोटो नहीं है, उसमें नाम होंगे लेकिन फोटो नहीं होंगे। तो उस स्थिति में आपने उसको कैसे मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उस स्थिति में आपने क्या करना है कि जो अगर फीमेल है तो सीरियल नंबर को आपने टिक करना है और नाम को अंडरलाइन करना है, जो पहले हम करते थे वो आपने किसके करना है, एएसटी वोटर में भी और पीडब्ल्यूडी वोटर में भी। पीडब्ल्यूडी वोटर हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग आए हैं, इसलिए दी जा रही है। और एएसटी वोटर कौन से, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड, जिनका वोटर कार्ड दिया जाता है लेकिन वो आ जाते हैं भाई कि नहीं भाई मैं तो हूं अभी जिंदा, ये तो गलत किया है, ये गलत से कार्ड दिया गया है, तो भाई वो वोट दे सकते हैं। तो इसलिए
ऐसे अगर आए हैं, उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए हैं, तो याद रखना आपने जो है क्या करना है, उनका नाम जो है क्या करना, अंडरलाइन करना है, और अगर लेडीज हुई तो उसका अंडरलाइन भी करना है नाम, और सीरियल नंबर को टिक करना है। ये आपके पास तीन डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो ख्याल रखना आइडेंटिटी वहीं से होती है। अब आता है कि आपने जो उनके पास सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए, 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जो होने चाहिए, एपिक के अलावा जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं, एपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एपिक के अलावा जो 11 हैं वो ये आपने पढ़ लेने, ये जो है दिए गए हैं कि ये कार्ड होंगे तभी आपने वोट डालने का अधिकार उनको है, अन्यथा नहीं, वो वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, साफ साफ गाइडलाइन है। अब आता है प्रोसीजर फॉर द एएसटी एंड पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जिसकी बात मैं अभी कर चुका हूँ। एएसटी वोटर अगर आता है इलेक्शन नंबर 16, उसका जो है वो भरा जाता है एएसटी, और ये जरूरी है भरना इलेक्शन नंबर 6, और वैसे ही जैसे देते हैं और वैसे ही वो भी कास्ट जो है वोट करेंगे। आइडेंटिटी मैंने बता दिया कहाँ से आप उसकी करेंगे, जो लिस्ट आपके पास है एएसटी वोटर की, वहीं से आप उसकी आइडेंटिटी जो करेंगे। इफ़ आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश अलाउ, अगर बाई दी वे कुछ ऐसा गलत होता है, कोई गलत व्यक्ति आ जाता है, तो याद रखना उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी जो है उसको जो पुलिस के हवाले जो है वो किया जा, उसका जो है बोगस वोटिंग के सिलसिले में उसको अंदर किया जा सकता है, और इस तरह से ये कार्य से वो बचें, उनको पहले आप अवेयर करें। फिर आता है प्रोसीजर फॉर EDC, ये इंपॉर्टेंट है, EDC बहुत आने वाले हैं, क्योंकि सबकी जो ड्यूटी है विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी लगी है, तो आपके EDC वोटिंग होगी। बेहतर अगर आपने वोटिंग करनी है तो सबसे एंड में कीजिए, या खाली समय जब होगा तभी आप जो है वो करेंगे। EDC के लिए क्या दिया गया है, प्रोसीजर क्या है भाई, कि वो फॉर्म नंबर 12 भी EDC का लेकर आएगा आपके पास, तो पहला जो पोलिंग ऑफिसर है वो उसको ध्यान से देखेगा, प्रॉपर उसमें स्टैम्प्ड है, लिखा है, उसका पार्ट नंबर, सारी चीज़ें सही है या नहीं है वो जरूर चेक कर लेगा। पोलिंग ऑफिसर 1 APRO जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करेगा और एक लिफाफे में डालता रहेगा, एक एक करके जो आते रहेंगे। और दूसरा जो पोलिंग ऑफिसर है वो ठीक जैसे दूसरों को आपने किया ठीक उसी प्रकार से करेगा, लेकिन क्या जो पहला पोलिंग APRO हो वो उसको जो है जो सबसे लास्ट, मान लीजिए कि सीरियल नंबर 632 है आपके पास सारे के सारे उसको आपने इलेक्ट्रोल में, तो 632 के बाद आपने उनकी एंट्री जरूर कीजिएगा, उनका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, उनका जो है क्या पार्ट नंबर है, किस वो AC से है कौन सी, और उसका नाम क्या है, और EDC जरूर लिखिएगा, उनको लिस्ट जो है बनाएगा, लेकिन वो शामिल नहीं रहेंगे, याद रखना आपके वोटर वही रहेंगे 332 आगे जो है ऐड होंगे, लेकिन वो काउंट नहीं होंगे। इस तरह से आपने उनको अपने मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल में जो आपके है उसमें आपने उनको एंटर जरूर कर लेना। अब आता है सेकंड पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, इंडेलिबल इंक लगाएगा, और इसको पता है फोर फिंगर में, लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर में लगाएगा, अगर ये नहीं है तो अगली, नहीं है तो आगे, नहीं है तो आगे, नहीं आगे तो थंब, फिर राइट में जाएगा, ये आपको मालूम है, ज्यादा बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको वो तैयार करेगा वो रजिस्टर ऑफ वोटर, लेकिन इंक लगाने से याद रखना कोई साफ ना करे, इस चीज का ख्याल रखना है। रजिस्टर ऑफ वोटर में 17A जिसे कहा जाता है, उसमें जो है एंट्रियाँ इस तरह से दी होती हैं, 5 एंट्री होती है, वो आपको करनी होती है, ठीक है जी, इसके बारे में आगे मैं आपको ज़्यादा बताने वाला हूँ। ये एंट्री करने के पश्चात अब काम का रहता है, फिर आपने प्रिपेयर वोटर स्लिप्स होती हैं, वो आपने तैयार एक स्लिप बनाई, उसका सीरियल नंबर और उसका जो है वो पार्ट नंबर लिखा और उसके पास दी, वो लेके कहाँ जाएगा, थर्ड पोलिंग ऑफिसर के बाद, और तभी वो थर्ड ऑफिसर उसको कलेक्ट करेगा और फिर जो उसका राइट मिलेगा कि वो बटन दबाए। तो ये काम जो है, तीन काम कौन करने वाला है, ये सेकंड पोलिंग ऑफिसर इंडेलिबल इंक का इस्तेमाल भी करेगा, रजिस्टर ऑफ वोटर उसको भी करेगा, और प्रिपेयर ऑफ वोटर स्लिप, ये भी तीनों की काम करेंगे। लेकिन अब आती है बात कि रजिस्टर ऑफ वोटर कैसे जो है मेंटेन करना है। हाँ, EDC की मैं बात कर लूँ तो EDC में भी जो अभी ही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपने जो करना है, ये है सारा का सारा, हाउ टू एंटर EDC ऑन द रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म नंबर 17A। जब भी आपका मान लीजिए EDC वोटर आएगा तो आपने क्या करना है, मैंने कह दिया उनका सीरियल नंबर, उनका पार्ट नंबर, उनका AC नंबर आपने सेकंड कॉलम जो है एंटर करना है इसी तरह से, ठीक है जी, जो दिया गया है आपके EDC में फॉर्म में ऑलरेडी। और यहाँ लिखे जब भी कोई जो है उसके पास आइडेंटिटी के लिए कौन सा है, उसके पास मान लीजिए एपिक है, EPIC है, तो आपने EP ही लिखना है यहाँ पर, ओनली थर्ड में क्या लिखेंगे, EP ओनली, और उस स्थिति में उसका नंबर लास्ट जो 4 डिजिट बोले गए हैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है EP के।
आपने फुल सिग्नेचर लेने हैं, पूरा नाम लिखवाना है उनसे, इनिशियल नहीं करवाने। ख्याल रखना, अगर इनिशियल हो जाएंगे तो आपके फिर थम इंप्रेशन उनका लेना पड़ेगा। और थम इंप्रेशन जब भी लेते हैं तो याद रखना लेफ्ट हैंड का ही थम आपने सबसे पहले लेना है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने राइट का जो है थम लेना है। तो थम जो है बता दिया, लेफ्ट हैंड का थम इंप्रेशन रहता है हमेशा, अगर कोई अनपढ़ है तो अपने थम उसके लेने हैं। और इस स्थिति में क्या लिखेंगे, ईडीसी वोटर, क्लियर हो गया। ईडीसी अगर प्रॉक्सी वोटर आएगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉक्सी वोटर, क्लियर हो गया, समझे बात। उस स्थिति में भी आपने इसी तरह से उसका नाम लिखना और क्या डॉक्यूमेंट था वो लिखना है, सिग्नेचर। और एक और स्थिति आती है कि आधार लेकर आया है, तो उस स्थिति में आपको नहीं करना, उसका नंबर भी साथ, लास्ट के 4 डिजिट आपने नंबर भी लिखने हैं उसके, ठीक है जी। ये आ गया उसका पार्ट नंबर, उसके बाद आ गया उसका आधार, लिखा कि क्या लेकर आया, वो आधार है और उसका लास्ट के 4 डिजिट लिखे और फुल सिग्नेचर किया और आपने ब्रॉडकास्ट करने दिया, रिमार्क्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक और आता है कि उसका व्हीकल लाइसेंस है तो VL किया और उसका लास्ट का डिजिट लिखा और इस तरह से उसका। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए उसने जो है वोट देने से इनकार कर दिया, आपने एंट्री कर दी और उसने कहा कि मैंने वोट नहीं देना है, तो उस स्थिति में जो PRO हो कोशिश करेगा उसको रिझाएगा, उसको कोशिश करेगा। देखिए इसलिए आपको लगाया गया है, बेहतर है, लोग जो है बहुत अनॉयड हैं और ऐसे लोगों को आपको जो हैंडल करना भी आना चाहिए। उनको ये कहिए कि जी लास्ट जो एंटर किया गया ना नोटा NOTA, वो इसलिए ही एंटर किया गया है कि अगर आपको नाराजगी है, कुछ भी है, तो आप उसको जता सकते हैं, किसी कैंडिडेट को ना जताकर नोटा को जिताइए। इससे जो है क्या होगा, पूरे देश भर में वो बात जाएगी कि उस जगह के ऊपर लोग जो है अनॉयड है ना, तो वो सेटिस्फाई होकर जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है तो फिर आपने क्या करना, भाई उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, आपने यहाँ पर लिखना सिर्फ रिफ्यूज टू वोट और उसके साइन ले लेने हैं जो रिफ्यूज कर रहा है रिफ्यूज टू वोट, और वो चला जाता है। मान लीजिए उसने रिफ्यूज कब किया, जब बटन दबा दिया गया था, थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास उन्हें स्लिप दी और उसने ऑन कर दी मशीन, अब उसने रिफ्यूज कर दिया, तो याद रखिए ये फिर से आपने वैसे ही उस जगह के ऊपर रिफ्यूज टू वोट लिखेंगे। याद रखना यहां पर वो साइन कर गया है, लेकिन अब आपने रिमार्क्स में यहां पर जो खाली जगह है वहां पर रिफ्यूज टू वोट करना है, साइन लेने हैं और उसको जाने देना है। लेकिन याद रखना है अब जो मशीन ऑन हो गई है वो अगला जो वोटर आया है उसको जो है वोट करने के लिए कहना है, मशीन ऑफ नहीं करनी है, याद रखना मशीन ऑफ नहीं करनी है, अगला वोटर जो है वोट कास्ट करेगा। अब यही स्थिति मान लीजिए जो है सबसे लास्ट वोटर के साथ हो जाता है, वो रिफ्यूज कर देता है, मशीन ऑन है, उस स्थिति में मैं पहले अभी बता देता हूँ को, तो आपने करना क्या है। अब आपको मालूम है कि अब जब ये वैसा ही था जैसे राम भगवान जब तीर जो है खींच लिया था तो उसको फेंकना ही था, तो ठीक उस प्रकार से M3 में भी है, या कि जब वोट कास्ट पड़ गया है, डाप ने मशीन ऑन कर दी है तो वोट कास्ट करना ही पड़ेगा। अब लास्ट वाले ने तो मना कर दिया डालने से, तो आपने क्या करना, भी CU को ऑफ करना है, ठीक है, CU को ऑफ करना है, और ऑफ करने के बाद जो है वो आपने VVPAT को जो है वो लॉक कर देना है, ठीक है जी। VVPAT को लॉक किया और आपने जो है उसको ऑन किया, तो जो दर्ज था आपका बूट, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, वो उसका जो लाइट थी वो बंद हो जाएगी, वो बिजी का, अब आप उसको जो है क्लोज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप क्लोज नहीं कर सकते जब तक बोर्ड कास्ट नहीं, तो बोर्ड कास्ट करने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए मशीन ने जो है वो क्लोज नहीं होता, इसलिए जो आप क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है VVPAT इस मशीन को जरूर देख लेना है, क्योंकि मैंने अभी इसको पूरी तरह से नहीं, अगर आपने VVPAT को ऑन में ही रखा है, सपोज उसका बैक साइड से क्लोज नहीं किया है, तो क्या होगा, 7 स्लिप्स निकलेंगी और एक्स्ट्रा, तो वो किसी की बोट नहीं है, वो वही है कि उसने रेडी वाली जो है वो आएंगी 7 स्लिप्स, तो उसका घबराए ना। लेकिन बेहतर है कि आप इसको जरूर जो है वो अपने कंफर्म करें कि वो आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आए तो उसके लिए क्या, अनलॉक में अगर उसको करता हूं तो क्या जो है वो मशीन कोई एरर तो नहीं देगी, बस इतना की बात आपने ख्याल रखना है। अब आता है कि मान लीजिए कुछ शराबी आ जाता है ना, कुछ इस तरह का लोग आ गया और उस हुड़दंग मचा दिया, तो स्थिति में क्या होता है, PRO बिल्कुल ऑथेंटिक होता है कि उसको नॉट अलाउ भी कर सकता है, लेकिन इसका साथ जो है आपके जो एजेंट हैं वो देने चाहिए, आपने जरूर उनके साइन ले लेने हैं कि जो इनके सामने ये घटना घटी थी और उनको नहीं डाला गया, उसके फोटो ले लेने हैं, प्रॉपरली वीडियो बना लेनी है, फिर आप जो है PRO यहां पर जो है वो अपने साइन करके यहां पर जो है नॉट अलाउ टू वोटर जो है कहां लिखेगा, जो रजिस्टर ऑफ वोटर है 17A में जो है डाल के जो है वो कर सकता है और उसको बाहर कर सकता है, दफा कर सकता है, ठीक है। अब आता है थर्ड पोलिंग ऑफिसर का काम जो क्या होता है, बोलते बहुत ईजी है भाई, स्पेशल जो है बटन दबाएगा, कुछ भी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हर एक वोटर को बड़े, जैसे ही स्लिप आप जो आपके पास आएगी तभी आप ऑन करेंगे और वोट जो है कास्ट करेंगे। एक भी वोटर कहीं गलती से उसने यहां ना दबा के यहां दबाया और चला गया और
आपका एक वोट जो है वो कम पाया जाएगा, तो उस स्थिति में मिलान नहीं होगा और पूरी टीम जो है खतरे में आ जाएगी। तो बेहतर है थर्ड का काम इसलिए एक मशीन दी गई है ताकि वो सावधानी पूर्वक जो है कर सके। अगर कभी टोटल की आवश्यकता होती तो टोटल ये होता है, ये क्लोज है, क्लोज तभी होगा जब एंड पोल होगा, इसको कभी भी मत खोलना, एंड में ही खोलना। तो टोटल वो कभी भी देख सकता है और ये आपका बैलेट बटन दबाएगा और मशीन आपकी तैयार होगी, वोट कास्ट करेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि कोविड का, पिछली बार बताया गया था कि कोविड वाले लोग आएंगे, ऐसे आएंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग आए जिनको लगे लगता है कि जो है पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, तो हेल्थ वर्कर आपके पास होंगे, उनकी सहायता से वो आएंगे और वोट कास्ट जो है वो करेंगे सबसे लास्ट में। क्लियर है, क्लोज बटन याद रखना, सबसे लास्ट में ही आपने क्लोज जो है वो ये कैप खोलनी है और फिर क्लोज जो है आपने। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ कर दूं कि मान लीजिए 6 बजे तक आप जो वोटिंग है और 6 बजे के बाद अभी भी लोग जो लाइन में लगे हैं, तो स्थिति में आपको मालूम है क्या करना है, आपको एक पर्चियाँ दी जाती है, प्री प्रिंटेड पर्चियाँ हैं, प्री प्रिंटेड, आपने इसे असाइन करना है, सीरियल नंबर लिखना है उसमें, 1 2 3 4 11 लोग बाहर खड़े हैं, तो आपने 11 पर्चियाँ बनानी है और 11 नंबर उनके देने हैं। अब जो पहले ही वोट जो नंबर है वो आपने पहले दरवाजे के ऊपर जो पहला खड़ा उसको नहीं देना है, आपने सबसे लास्ट में जो है एक नंबर देना, फिर पीछे की तरफ आते रहेंगे और दरवाजे के पास जो है 11 नंबर जो है पर्ची बटेगी। तो इससे जब आप फिर से प्रक्रिया शुरू करेंगे और जो लास्ट वाला एक नंबर वाला आएगा उसके बाद चाहे जितने मर्जी खड़े हो आप वोट कास्ट करने के लिए नहीं देंगे। क्लियर हो गया, तो उस समय 6 बजे जितने भी लोग होंगे उन सभी को पर्ची आपको देना पड़ेगी। क्लियर है, तो इस तरह से उसके बाद ही फिर आपका काम जो है वो क्लोज विंडो खोलेंगे और ये कोई फटनी नहीं चाहिए आपकी, खोलेंगे क्लोज बटन दबाएंगे एजेंट के सामने और फिर जो है उसको बंद कर देंगे और देखेंगे, फिर उनको बोलेंगे देखिए बैलेट ही उनको दबाइए, वो दबेगा नहीं। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना, ढंग से दबाना है, प्रॉपर दबाना है और मशीन जो है बताएगी कि क्लोज होगी, वो बोलेगी करेगी देगी अपने आप उसमें डिस्प्ले में। एक और काम करने के लिए इस बार कहा गया है 17C की, मैंने बात कर दी है कि 17C आप जो जो एजेंट है वो मांगेंगे वो फॉर्म आपको देना ही पड़ेगा। इस CU का जो है कंट्रोल यूनिट का जो पीछे की तरफ जो सेक्शन होता है वहां जाकर आप पिछले की तरफ जाएंगे तो आपको ये बटन होगा ऑन ऑफ करेगा, तो ऑफ करना ना भूले प्लीज, ये जरूरी है, ऑफ करना ना भूले PRO, ये जरूर करना है। और उसके बाद एक और काम आपने करना है कि इसको लॉक करना है, ऊपर आपको पता है बटन है, लॉक करना है VVPAT को, और उसके पश्चात आपने फिर ये बैटरी जो इसकी होती है उसको निकालना है। इसके इस तरफ को ही पिनअप होता है तो थोड़ा सा जोर लगता है आराम, लेकिन तोड़े नहीं, ऐसे नहीं एक तरफ से ही आपने इसको जो है वो खींचा, एक तरफ से खींचेंगे तो टूट जाएगा VVPAT, दोनों तरह से बराबर हाथ लगाकर आपने बाहर को इसको पुश करना है और तब ये निकलेगी आपकी बैटरी। ये भी कहा गया कि आपने इसको अलग से निकाल लेना और जहां पर ये मशीन डिपॉजिट होगी पहले काउंटर में वहीं आपने बैटरी भी वापस करनी है। क्लियर है, समझ आएगी बात, तो बैटरी सेक्शन अलग रहता है तो बैटरी को आपने निकाल लेना है VVPAT की, इसका कुछ नहीं करना, इसकी कोई बैटरी निकालने की, इसको केवल केवल आपने स्विच ऑफ करना है। अब इसके बाद आपने मशीनों को रख दिया, CU की जगह CU और BU की जगह BU, और आपने इनको बाहर से एड्रेस टैग जो है वो लगाने हैं प्रॉपर तरीके से दोनों ही तरह, और इसी तरह से बैलेट यूनिट को भी। और सीलिंग ऑफ द इलेक्शन पेपर इन पैकेट्स, ये अब आता है कि क्या क्या काम जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो करता है। देखिए बहुत सारे पैकेट जो इस बार, जो इस बार नहीं हर बार बनते हैं, 4 पैकेट तो आपने नाम सुने हैं, ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है, ब्लू, ये रहते ही हैं। लेकिन इस बार एक और पैकेट आपने जो तैयारी करनी है, अदर बड़ा एक जो बैग देखना है जो इनसे रिलेटेड ना होकर दूसरा दिए होते हैं एक्स्ट्रा आपके पास, एक बड़ा बैग जो है और तैयार करना है। नॉन स्टैचुरी ही रहेंगे, एक जो है स्टैचुरी रहता है, बाकी सारे नॉन स्टैचुरी रहते हैं। स्टैचुरी का मतलब कि इसके अंदर जितनी भी जो है डाके जाती हैं, जैसे इसमें 5 डाके आती हैं तो 5 की 5 जो है वो सील होती हैं, सील्ड होते हैं लिफाफे के सारे है ना, तो इसलिए ग्रीन पेपर जो ग्रीन वाला है वो में थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी नॉन स्टैचुरी उसके अंदर जो लिफाफे होंगे वो केवल गम से ही पेस्ट होंगे उसमें। लेकिन याद रखना है ये सारे के सारे लिफाफे ऊपर से ओपन होंगे, पिनअप करेंगे, क्योंकि ये चेक होंगे आपके जब जब आप जो है अंदर इनको डिपॉजिट करेंगे काउंटर के ऊपर, तो ये चेक करेंगे अंदर उतने लिफाफे हैं या नहीं है, तो केवल ऊपर पिनअप करें इसको। अब आता है काउंटर वाइज, मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतर में ऐसी ही व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी जो है मैं बता दूँ, पहला काउंटर जो होता है हमेशा वो मशीनें जहाँ पर आप डिपॉजिट करते हैं, और इसलिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है होता है स्ट्रांग रूम में, पहला जो है आपका रहता है जहाँ स्ट्रांग रूम बना EVM को रखा जाता है, वहाँ पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगी CU BU और VVPAT। इसमें CU सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि CU के
तीन डॉक्यूमेंट जो है आप मांगेंगे, ये लिफाफे यहाँ पर जो है वो लगे होने चाहिए एक धागे से लटके हुए। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे? एक मॉक पोल का सर्टिफिकेट मैंने बताया था, उसके फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 इसमें रहेंगे, वो एक लगना चाहिए एक लिफाफा। दूसरा लिफाफा है डिक्लेरेशन बाय द PRO, जो स्टार्ट में ही स्टार्ट होने पर आप करते हैं, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिक्लेरेशन एक दूसरा लिफाफा, और तीसरा, ये सारे सील होंगे, तीनों को तीनों सील्ड होंगे, और ये अनेक्चर नंबर 5 होगा। और थर्ड जो लिफाफा होगा वो किसका होगा? ओरिजिनल कॉपी जो हाथ से आपने बनाई है, कौन सी? अकाउंट ऑफ वोट की 17C की, जिसका एक पार्ट आप जो करेंगे, दूसरा पार्ट खाली रहेगा, तो ये भी रहेगा एक तीसरा। और ये तीन लिफाफे इस CEO के साथ आपने, और यहाँ से टैग एड्रेस टैग लगे होने चाहिए प्रॉपर, ये आपने इसके साथ लगाने। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप एक काउंटर में ही डिपॉजिट करेंगे, लेकिन एक और भी साथ में जो है डाला गया है इस बार, वो क्या है? हो सकता है अलग जगह के ऊपर अलग हो सकता है, मैक्सिमम एक जगह के ऊपर ही मांगा जाता, हो सकता है ये जगह किसी और जगह मांगी हो, लेकिन मैं जहां पर हूं वहां पर ये चीज भी साथ में मांगी जा रही है। क्या है वो? है मॉक पोल स्लिप्स बॉक्स जो आपने तैयार किया है बाहर से, उसको जो है ब्लैक लिफाफे में डाला गया है, वो भी आपको मांगा जाएगा इसी काउंटर के ऊपर, ठीक है जी। फिर आता है दूसरा जो है, जो काउंटर होता है वो आता है एक्स्ट्रा, जो EVM मशीन होती है वो आपका काम नहीं रहता है। थर्ड जो इस बार दिया गया है, देखिए वो पैकेट कौन सा मांगा जा रहा है यहाँ पर, नॉन स्टेच्यूर का ब्लू ब्लैक में, सॉरी ब्लू पैकेट्स में वो तय रहता है। चौथा जो पैकेट रहता था वो थर्ड पे ही मांगा जा रहा है काउंटर में। अलग अलग जगह के ऊपर अलग स्थितियाँ हैं, लेकिन ये हमेशा जब भी आता है तो ऐसी ही चीज़ें, जो आपको ब्लू आएगा ना उसमें हर जगह ये चीज़ें जो मांगी जाएंगी। देखिए क्या क्या, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है एनेक्शन नंबर 12 है वो जो है इसमें जाएगा। दूसरा, सेकंड कॉपी अकाउंट ऑफ वोटर 17C, दूसरी कॉपी डुप्लीकेट कॉपी है वो भी आपने डालनी है, पहले आपने दे दी है CEO के साथ, सेकंड आपने यहां पर डालनी है। वोटर टर्नआउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, इसलिए मैंने रेड में किए गए हैं, इसको वो देखेंगे अंदर लिफाफे है या नहीं है। P05 ये टर्नआउट का जो है उसमें डालना है। 31 पॉइंट रिपोर्ट ये भी उसमें रहेगी, ये तीसरा चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा इस लिफाफे अंदर। फिर मार्क लिस्ट ऑफ द AST वोटर जो आपको दी गई थी वो भी इसमें रहेगी। PWD की जो लिस्ट है जो आपने मार्क करी है वो भी यहाँ रहेगी। रिपोर्ट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स, आपके पास एक ऐसे इस तरह की रिपोर्ट अगर है, आपको दी है, तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। एक 16 पॉइंट रिपोर्ट आती है वो भी आप यहाँ डालेंगे। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स के लिफाफे होंगे जो इस थर्ड काउंटर में आपको मांगे जाएंगे, बल्क क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये मांगी जा रही है। तो याद रखना है ये उसमें डालनी है 8 के 8 चीज़ें यहाँ पर, और ये बाहर से पिनअप रहेगा। और इनको अगर हो सके तो 2 को सील कर लीजिए लिफाफों को, और बाकी को लिफाफे में सील करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डालेंगे और ऊपर से पिनअप करके आप रखेंगे। फिर चौथे काउंटर के ऊपर जो मांगा जा रहा है वो ग्रीन पैकेट है, जो पहला रहता है हमेशा, फर्स्ट जो ग्रीन पेपर पैकेट रहता है उसमें 5 जो है आपसे अब तक मांगी जाती थी, 5 ये सारे सील लिफाफे होते थे। पहला क्या था? मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल, जो पहले पोलिंग ऑफिसर के पास था वो। दूसरे लिफाफे में डालेंगे यूज रजिस्टर ऑफ वोटर, 17A जो आपने यूज किया है रजिस्टर वो आप डालेंगे। और तीसरा है कवर ऑफ यूज वोटर स्लिप, जो तीसरे पोलिंग ऑफिसर के पास स्लिप्स आती हैं वो उनको 50-50 के बंडल में रख लेगा, और ये काउंट होंगी बिल्कुल उतने ही जितने वोटर कास्ट किए हैं, तो ये इसका भी कवर होगा। चौथा है कवर ऑफ द अनयूज टेंडर बैलेट पेपर आप लेके गए थे, गिन के ले जाना और गिन के ही वापस कितने आपने यूज किए हैं और कितने अनयूज को भी अगर अलग लिफाफे में डालना है, अगर यूज हुए हैं तो उनको अलग लिफाफे में आपने डाला है, और साथ में फॉर्म नंबर 17B जिसके ऊपर लिस्ट बनी है कितने लोगों ने टेंडर वोट जो कार्ड किए हैं, ये 5वां लिफाफा होगा। अब तक जो है इसमें यही मांगते थे, और ये सील्ड होने चाहिए सारे के सारे लिफाफे, लेकिन इस बार ये भी मांगे जा रहे हैं। क्या है? सेकेंड कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन, ये भी डुप्लीकेट में आपने बनाना है और इसको भी यहां डालना है। सेकंड कॉपी ऑफ मॉक पोल सर्टिफिकेट इन पार्ट नंबर 1 की भी डुप्लीकेट आपने निकाल देना है एक, और यहां पर इसको जो है डाल देना है। क्लियर है? तो ये 7 जो चीजें आपने यहां पर इस लिफाफे में डालनी है, इनको जो है सील करने की आवश्यकता नहीं, इनको आप सील कर सकते हैं, हो सके कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको सभी को सील कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 के 7 लिफाफे इसमें होने चाहिए। फिर काउंटर नंबर 5 में जो आपको मांगे जा रहे हैं, देखिए ये है पैकेट, सेकंड येलो पैकेट जो होता है जिसमें येलो वाला होता है, इसमें 11 चीज़ें हमेशा आपको जो है मांगी जाती थी, है ना, ये 11 चीज़ें बाहर लिखा होता है, लेकिन इस बार जो है अगर हम जहां पर मैं कह रहा हूं बल वालों को, उनके लिए 2 चीज़ें और डाल दी गई हैं, तो इस प्रकार से 11 के बाद ये हो गई हैं 13, है ना। तो ये चीज़ें आपके बाहर लिखी होंगी लिफाफे के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपने 11 की 11 चीज़ें डालनी है। और साथ में जो अलग से हैं वो क्या है? कवर कंटेनिंग अनयूज एंड डैमेज पिंक पेपर सील, जो मॉक पोल के
डब्बे के ऊपर लगती हैं वो आपको ज़्यादा दी जाएंगी, तो वो भी अगर आपने अनयूज्ड की है या डैमेज हो गई है तो वो आपने उसमें जो है देने लिफाफे में। एक और है पोलिंग एजेंट मूवमेंट सीट जो है ये कहीं नहीं मांगी जा रही, तो ये भी मूवमेंट सीट आपने वहाँ पर डालनी एनेक्स नंबर 17 में कि कौन किस किस में अंदर था, कब गया कब आया, ये उसके ऊपर रहता है, तो ये भी आपने डालना है इसी लिफाफे में। और मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई भी सील करने की आवश्यकता नहीं है, हो सके तो जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं उनको आप जो सील कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड कॉपी जो कंटेनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड बुक जो है या कोई और आपको लगता है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर छठे काउंटर के ऊपर जो आपको मान मांगा जा रहा है वो है अदर ऑर्डनरी, जो मैं कह रहा था कि कोई एक ऐसा बड़ा लिफाफा आपने देखना है, ये अब तक नहीं मांगा जाता था लेकिन अब जो है वो मांगा जा रहा है, उसमें आपने ये काउंटर नंबर 6 के ऊपर आपको मांगा जाएगा, जिसमें क्या क्या आएगा, विजिट सीट, जो ऑब्जर्वर आए थे या कोई और आया था उनके साइन रहेंगे उसके ऊपर, कब कब उन्होंने विजिट किया, एनेक्शन नंबर 13 ये होगा, तो ये एक लिफाफा आपने तैयार करना। फिर अनयूज्ड प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर स्लिप, याद रखना ये प्री प्रिंटेड क्या है, ये वो है जो जब एंड होता है पोल और उसमें जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो खड़े होते हैं लोग बाहर लाइन में उनको जो है उन प्री प्रिंटेड स्लिप्स को जो इशू करता है, तो जितने उसने इशू कर दी वो चले गई, लेकिन जो बच गई उसके पास अनयूज वो आपने उस लिफाफे में जो है वो डालनी है, क्लियर है। तीसरा है कवर ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट एस एच ओ, अगर हुई है तो आपने डालनी है, अगर नहीं हो तो नील रिपोर्ट आपने उस कवर में डाल के देनी है। फिर चौथा कवर ऑफ अकाउंट ऑफ एंट्री पास इशू टू द पोलिंग एजेंट, ये भी फॉर्म आपके पास रहेगा, किन किन को आपने इशू किया है पास वो आपने लिस्ट डालने उस लिफाफे में डालनी है। और कवर ऑफ कंट्री कंटेनिंग एनी अदर, कोई भी अगर और भी चीज़ होगी, कोई लिफाफा ऐसा बनाया तो इसी में ही आपने 6 में वो डालना है। फिर काउंटर नंबर जो है 7 में क्या डाल रखना है आपने, ये वो है थर्ड ब्राउन पैकेट है, तीसरा ब्राउन पैकेट जो तीसरा लिफाफा बनता था ब्राउन पैकेट, इसके ऊपर ये चीज़ें लिखी होंगी 7 चीज़ें, तो ये डालनी है। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या मांगा जा रहा है, 8वीं चीज़ और एक्स्ट्रा मांगी जा रही है वो है क्या है, गनी बैग है, ये सभी वोटिंग कंपार्टमेंट है, याद रखना क्या क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे, हैंडबुक जो है मांगी जा रही है, इसमें कोई अंदर छोटा लिफाफे नहीं होंगे, सीधे ही आप तौर पर ये डालना है, हैंडबुक मांगनी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर की, प्रेजाइडिंग ऑफिसर सील होगी वो सीधे तौर पर डालनी है, एरो क्रॉस मार्क रबर जो स्टैंप है वो डालनी है, डिस्टिंग्विश रबर स्टैंप वो डालनी है, मॉक पोल रबर स्टैंप होगी वो डालनी है, मेटल सील है वो डालनी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर के, रूल अगर आपको दिया है वो आपने डालना है, वोटिंग कंपार्टमेंट जो है वो साथ में इस लिफाफे में नहीं आएगा, वो अलग से उसी काउंटर के ऊपर देना है, और गनी बैग आपने जो है देना है उसी ही काउंटर के ऊपर आपने देना है काउंटर नंबर 7 में, ठीक है जी, हो गया। आठवां क्या है, कलेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ एंड वीडियो, वो लोग जहां पर फोटोग्राफी नहीं हुए तो उनको कहा गया है कि वो फोटोग्राफ्स जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो आपने वहां पर सबमिट करनी है काउंटर नंबर 8 के ऊपर। इस तरह से डाटा केवल वहां पर ऑलरेडी रहेगी, ये मैनेज सारा कुछ रहेगा, कंप्यूटर वहां पर रहेगा, आप वहां पर ये सारी चीजें देंगी, ये पीआरओ का काम है, ठीक है, वही लेगा, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये जो है जो इलेक्शन वाले हैं वो इस चीज को कंपाइल करेंगे। फिर काउंटर नंबर 9 में एक और चीज़ आपको देखिए, बैंक अकाउंट्स जो डिटेल्स जो पोलिंग ऑफिसर के दे दी गई है या कलेक्शन हो चुकी है विद पोलिंग स्टाफ के साथ तो वो आपने वहाँ पर देनी है, अगर आपसे छूट गई है पहले ले लेंगे वैसे, लेकिन रह गई तो आपने यहाँ पर वो डिपॉजिट करनी है, ठीक है, सभी का अकाउंट रहेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे सीधे आपके अकाउंट में जाएंगे, तो वो कलेक्शन और रिसिप्ट एंड वोचर जो आपको पैसा दिया गया था खाने पीने के लिए उसकी रिसिप्ट मांगी जाएगी ये 9वें काउंटर पर। कलेक्शन ऑफ द काउंटर वाइज साइंड चेक मेमो, एक काउंटर वाइज साइंड चेक मेमो होता है, वो आपने जिस जिस काउंटर के ऊपर आप जो है डिपॉजिट करेंगे वहां से जो साइन करके आप एक जो है स्लिप आपको मिलेगी वो आपके पास होना चाहिए, ये लास्ट में जाएगा 9वें काउंटर के ऊपर, मांगेंगे आपको कि सारी चीज आपने डिपॉजिट कर दी और उसके बाद ही आपको पीआरओ को रिलीविंग मिलेगी, तो ये काउंटर नंबर 9 के ऊपर होने वाला है, क्लियर है। तो इस तरह से ये 9 हो गया, अब मेरा काम यहीं पर समाप्त होता है, लंबा समय था लेकिन मैंने एक एक चीज आपको जो अच्छे से समझा दी है, भगवान करे आप अच्छे से जो है वो अपनी ड्यूटी को पूरा करें और मेरी जो वीडियो हो आपके लिए हेल्पफुल हो, कोई गलती होगी उसके लिए त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक अवश्य करेगा, धन्यवाद।